हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तो डैम्पिंग बेस्ड सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, नहीं बोडे प्लॉट की बात कर रहे थे, डैम्पिंग बेस्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। सोचो अगर केस नंबर टू हो और जीटा इक्वल टू वन और क्रिटिकल डैम्प्ड, नहीं सपोज करो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, ये द टी ऑफ जी ओमेगा, सपोज इज द डी बी, फिगर बना लेते हैं अपन। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये 10 है सर, ये 0.1 है, ये 0 डीबी है। ओके यस सर। स्लोप कितने का सर? -40 डीबी पर डिकेड का। ओके सर, जीटा इक्वल टू 1 तो क्रिटिकल डैम्प हो गया सर। यस, लो फ्रीक्वेंसी रीजन क्या हो गया सर? 0 डीबी। लो फ्रीक्वेंसी रीजन 0 डीबी हो गया। ओके यस सर, लो फ्रीक्वेंसी रीजन ही 0 डीबी। ठीक, तो सर 20 लॉग के इक्वल टू 0 सर, तो के की वैल्यू 1, ये तो पता ही है सर। ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10, तो ट्रांसफॉर्मेशन कितना आ गया सर? के अपॉन 1 प्लस 2 जीटा एस बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी प्लस एस बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। स्लोप कितना है सर? -40 डिग्री पर डिकेड, तो परफेक्ट है एकदम। -80 होता तो इसका भी स्क्वायर हो जाता। आंसर टी ऑफ एस की वैल्यू, के की वैल्यू 1 आ गई, 1 प्लस 2 जीटा, जीटा की वैल्यू 1 इंटू एस बाई 10 प्लस एस बाई 10 का स्क्वायर। ध्यान देखो आप क्या है ये आंसर सर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस एस बाई 10 का होल स्क्वायर है सर। बिल्कुल है, सही। तो सर मेरा क्वेश्चन सेम टाइम पे ये होता है कि सपोज करो आपके पास ये फिगर दिया सर, ओमेगा टी ऑफ जी ओमेगा 0 डीबी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10, स्लोप इज -40 डीबी पर डिकेड, और जीटा नहीं दिया सर, मतलब जीटा बेस सिस्टम नहीं है। अच्छा, जीटा बेस सिस्टम नहीं है, हाँ नहीं है सर, जीटा बेस सिस्टम नहीं है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। जीटा बेस सिस्टम नहीं है सर, विदाउट जीटा, विदाउट जीटा सर, विदाउट जीटा, तो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी सर? के अपॉन 1 प्लस एस बाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का क्या? होल स्क्वायर। यस सर, के की वैल्यू कितना है? 1 है, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी में 0 डीबी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 सर, तो 1 प्लस एस बाई 10 का कितना होगा? होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये तो सिंपल है विदाउट जीटा। हाँ सर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर वो जीटा जब था तब भी सेम आंसर था और ये भी सेम आंसर है, ऐसे कैसे हो गया? अरे होगा, क्योंकि क्रिटिकल डैम सिस्टम का बोडे प्लॉट में कोई अलग से स्पेशल यूज नहीं है। बिकॉज क्रिटिकल डैम सिस्टम मतलब क्या होता है? अगर एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्रिटिकल डैम मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव इक्वल रियल रूट्स। तो भैया नेगेटिव इक्वल रियल रूट्स अगर आपके पास है, नेगेटिव इक्वल रियल रूट्स अगर आपके पास है, तो हो तो गया ना सेकंड ऑर्डर सिस्टम। यही तो हम करते हैं, हमारा जो सिस्टम होता है ये सब क्या रिपीटेड पोल्स ही तो है जब हम करते हैं तो। नहीं, अगर मैं बोल दूं आपके पास की माइनस ओमेगा एन कॉमा माइनस ओमेगा एन, द रिपीटेड आपके पास है, बिल्कुल ये रिपीटेड पॉलिसी था क्रिटिकल डैम सिस्टम। इसका मतलब है सर कि आपको जीटा वन दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा उससे आंसर सेम आएगा। हाँ, इसलिए कोई भी क्रिटिकल डैम का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसका मतलब बोडे प्लॉट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें जीटा वन लिखा हो। क्यों? क्योंकि किसी को अगर नहीं भी आता है जीटा बेस्ड सिस्टम के बारे में तो भी उसका आंसर सेम है। मतलब अगर विदाउट जीटा हो तो भी वही आंसर, जीटा वन हो तो भी वही आंसर, क्योंकि जीटा वन मतलब क्रिटिकल डैम सिस्टम, सिस्टम रूट्स जो होंगे रिपीटेड होंगे। इसका मतलब है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। और अगर आप भी गया, वैसे तो नहीं आएगा, आप भी गया तो सर किसी को जीटा नहीं आता है तो भी उसका आंसर सही, कोई ये कर देगा इसका और उसका आंसर सेम है, क्योंकि एक्चुअली क्रिटिकल डैम ही है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब है कि बोडे प्लॉट में जीटा इक्वल टू 1 आपको देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग यस, ऐसा देखने का मौका नहीं मिलेगा। कोई जानबूझ के लिख भी देता है उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो कोई लिख दिया इसका मतलब गलत है? नहीं, गलत वाला कुछ नहीं होता है।
क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि कोई यूज ही नहीं है। वैसे भी आप इन जनरल ये क्रिटिकल डैम्ड है, जब जीटा नहीं लिख रहे तो क्रिटिकल डैम्ड है -40 dB/d का, तो जीटा लिखो ना लिखो, तो जब कोई मतलब ही नहीं है तो फिर क्या करना है? इसका मतलब सर कि जो आप पहला केस पढ़ा रहे थे अंडर डैम सिस्टम, वही पे बात होगी? यस, वो पढ़ा चुका हूं मैं अंडर डैम सिस्टम, ये केस नंबर 2 है आपका, इधर क्रिटिकल डैम सिस्टम। तो इन बॉर्डर प्लॉट देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डैम सिस्टम, किसी को जबरदस्ती लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल बी सेम। इसलिए कोई भी जीटा इक्वल टू 1 करके बॉर्डर प्लॉट में कभी आपको देगा नहीं, ठीक है? ओके चलो, इतना आपको क्लियर हो गया। एक बार बोलेंगे क्लियर नोटेड तो आपको पता चल गया केस नंबर 2 तो सर कोई काम का नहीं है। हाँ कोई काम का नहीं है, यस ओके, कोई भी काम का नहीं है। हाँ क्लियर नोटेड, क्योंकि कोई भी बड़ी बात नहीं है, हटा देते भैया केस नंबर 2 तो, केस नंबर 2 तो हटा देते, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए जीटा इक्वल टू 1 के लिए कोई वरी ना करे, और कोई धोखे से लिख दिया तो, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखेगा कभी, सर लिख दिया तो, अरे लिख दिया तो भी सोल्व कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके बट एडवांटेज क्या होगा, जिसको जीटा बेस बोर्डर प्लॉट कुछ भी नहीं पता उसका भी सही, और आपको बहुत पता उसका भी वही आंसर। तो ज्यादा पता और कम पता होने का कोई डिफरेंस नहीं है जीटा इक्वल टू 1 सिस्टम, ठीक है? चलो हटा दो इसको जरा, केस नंबर 2 एंड कर दो, यहां से स्टार्ट करो और एंड कर दो, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल था सर। केस नंबर 3 की बात करते हैं, चलो चलो केस नंबर 3, क्योंकि हम जीटा बेस के सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर जीटा ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूं मैं, तो जीटा ग्रेटर देन 1, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है? चलो सोचो एक ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, 10/(S+1), यस सर, S+10, ये ओवरडैम्प्ड सिस्टम है कि नहीं? सर कैसे पता चलेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट से ओवरडैम्प्ड होते हैं सर, जीटा निकालेंगे। अरे जीटा निकाल के तो बच्चा बच्चा बता देगा कि जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा, मतलब ओवरडैम्प्ड सिस्टम है। बिना जीटा जो निकाले जो ओवरडैम्प्ड बोलता है वही बेसिक स्मार्ट हीरो है। जीटा निकालने के बाद कोई बचता है क्या? ये सर नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट, इसी को नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट बोलते हैं। जीटा निकालने के बाद कॉलेज का हर बच्चा ओवरडैम बता सकता है, नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट्स, यस ओवरडैम सिस्टम, ठीक है? हम हमेशा बोलते थे कि जब भी मास तक पढ़े हैं ओवरडैम सिस्टम का जो कंसेप्ट पढ़े हम लोग, हमेशा हम बोलते थे कि ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, ये सिग्निफिकेंट पोल है, दोनों का रेशियो वाला पार्ट बड़ा मेंटेन करते थे हम, कि ISP अपन SP का जो रेशियो होना चाहिए वो 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 10 है। ये जो सिग्निफिकेंट पोल है सर, इसी को तो आप डोमिनेंट पोल बोलते हो ना, यस, बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल इन बोर्डर प्लॉट। क्यों? अरे बोर्डर प्लॉट तो लॉग स्केल होता है, उसमें तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस वैसे भी डिकेड फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं बोलूं कि डोमिनेंट पोल कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो यार वो तो वैसे भी होगा डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। तो डोमिनेंट कंसेप्ट जब आप बोर्डर प्लॉट जब आप बोर्डर प्लॉट में आते हो तो वैलिड ही नहीं होता। वाई सर? अरे वैसे भी लॉग स्केल है यार, अरे लॉग स्केल है, लॉग स्केल में वैसे भी फ्रीक्वेंसी डिकेड फ्रीक्वेंसी रहती है, तो नेगलेक्ट क्यों करेंगे? ऐसे में तो सब नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना, डिकेड फ्रीक्वेंसी वैसे भी रहती है। तो कोई लेना देना नहीं बोर्डर प्लॉट में डोमिनेंट पोल कंसेप्ट का, बोर्डर प्लॉट में डोमिनेंट पोल कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कोई एलिमिनेट होगा, आप पढ़ रहे बोर्डर प्लॉट लॉग स्केल है, एक फ्रीक्वेंसी दूसरे से वैसे भी 10 times रहता है, कभी कभी तो 50 times भी ज्यादा रहता है, या द डिकेड फ्रीक्वेंसी। तो इन बोर्डर प्लॉट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। और भी बात करते हैं, ठीक है सर? अब मेरे को बताइए सर कि इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं बोर्डर प्लॉट बनाना चाहता हूं। हाँ हटा मत देना, बोले कि सर -1 डोमिनेंट पोल है, पता चला सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बन गया, अरे ऐसे में तो सब खत्म हो जाएगा। बोर्डर प्लॉट में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर नहीं बन सकता सर, अगर बहुत दूर है। अरे बहुत दूर मतलब कितना ही होगा, 100 times, क्या ही फर्क पड़ता है सर? ये 10 है, इसको मिस्टर बोर्डर स्टाइल में लिख रहे हैं सर, कैसे? 1+S/1, यस, दूसरा 10 बाहर निकालो सर, 1+S/10, 10 कैंसिल आउट हुआ, टी ऑफ एस की वैल्यू 1/(1+S/1), ओके, फिर 1+S/10 सर, बोर्डर प्लॉट बनाना है, हाँ सर,
केकी वाली कितना है? सर बाहर नंबर वाला जो होता है वो केकी स्टाइल, अब तो खत्म ही होने वाला है, तो मिस्टर बोडे स्टाइल ही देता हूँ, मिस्टर बोडे स्टाइल, मिस्टर बोडे स्टाइल। ओके, केकी वाली वन है सर, तो 20 लॉग कितना होगा? 0 dB सर, ये तो हमको पता ही है 0 dB। क्या क्या क्वांटम फ्रीक्वेंसी? एक वन और एक 10। चलो मैं बता देता हूं आपके पास कि देखो ये बन गया आपके पास लॉग स्केल, रेडियन पर सेकेंड। लॉग मत लिख देना भैया, जितने लोगों को कम आता है वो लोग लॉग ओमेगा लिखने के चक्कर में रहते हैं। ये 0 dB सर, ओके ओके ओके, 0 dB, 0 dB सर, यस ठीक है। केकी वैल्यू वन है ना, इधर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, 0 dB, ओके ओके। पहला क्वांटम फ्रीक्वेंसी वन है सर, वो पोल है, पोल वन है वन। सेकेंड क्वांटम फ्रीक्वेंसी सर 10 सर, एक ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये डॉटेड डॉटेड लाइन सीधी चली गई तो स्लोप कितना होगा सर? उतना ही जितना ये है, -20 सर। स्लोप सर पता है सर, इनफाइनाइट स्लोप वर्टिकल लाइन का होता है, तो पता है सर अगर मैं इस लाइन का स्लोप बोलूं तो ये स्लोप कितना होगा पता आपको? ये डॉटेड डॉटेड लाइन 0 dB पर डिकेड, क्यों सर? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप सर 0 ही होता है। ये कितना होगा? ये उतना ही होगा जितना आ रहा है, कितना? -20 dB पर डिकेड। ओके, मैं नीचे कर दूं तो सर किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप तो इनफाइनाइट होता है ना सर? यस, तो 0 इनफाइनाइट, ये -20 है तो -20 से इनफाइनाइट के बीच में नीचे है तो -इनफाइनाइट लिख दो, ऐसा बना दो आप, ये जस्ट आपके पास कंसेप्ट के लिए। तो कितना होगा? एक और पोल आया तो स्लोप -20 dB पर डिकेड और ऐड हुआ, -20 dB पर डिकेड। अगर मैं लॉग स्केल में बना रहा हूं तब तो मैं डेटा लेके बना दूंगा, ये 1/10 है, लॉग 10 है, ये कितना 0 है, तो मेरे को ये भी पता है कि वैल्यू कितना आ रहा होगा। अरे इतना गुड अपने पास तो हमारा एनालिसिस सर, कैसे पता किए? 10/1 लॉग 10/1 लॉग 1 लॉग 10/1, तो वन ही हो गया। ये 0 dB कितना आ रहा होगा? -20 dB, बिल्कुल। कितने का स्लोप हो गया सर? -20 dB पर डिकेड का, -20 dB पर डिकेड का। फटाफट बना लिए अपन टी ऑफ जी ओमेगा, बोडे प्लॉट बना लिए भैया। कितना था सर? देयर आर टू पोल सर, एक 1 rad/s, यस इज द पोल, सेकंड इज द 10 rad/s इज द पोल। पहले के कारण -20 पर डिकेड, यस। दूसरे कारण एक और सर, कितना? -20, तो -40 हो गया। हाँ, ये मैं क्या, ये सर ये क्या बता रहे थे आप? ये बता रहा था बचपन की बातें, जो हमको स्लोप पढ़ाया जाता था। चलो बचपन में बताया होगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बताया होगा। कैसे बताते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है भैया, वर्टिकल लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड हो इसका इनफाइनाइट स्लोप होता है, नीचे का इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जो लिखना है। लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 ही होता है, इसके बीच में स्लोप एग्जिस्ट करता है, ये स्लोप एग्जिस्ट करता है, ये स्लोप एग्जिस्ट करता है, ये स्लोप एग्जिस्ट करता है। तो मैं बोला कि देखो -20 dB पर डिकेड सीधा जाता है, डॉटेड डॉटेड बनाया तो -40 इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए सर। जब आप इधर जाओगे ना तो टूवर्ड 0 dB पर डिकेड में जाओगे तो स्लोप कम हो रहा है। जब आप टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन जाते हो, ये टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर, स्लोप कम हो रहा है। टूवर्ड्स वर्टिकल लाइन जाते हैं तो स्लोप बढ़ता है, क्यों? क्योंकि पूरा वर्टिकल पहुंच जाओगे तो इनफाइनिटी हो जाएगा भैया, और पूरा हॉरिजॉन्टल पहुंच जाओगे तो 0 dB पर डिकेड हो जाएगा, तो स्लोप का बढ़ना टूवर्ड्स वर्टिकल, तो -40 पर डिकेड बना दिया। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मैं बोलूं जीटा कितना लिया, तो जीटा की वैल्यू सर आप ध्यान से देखो, टी ऑफ एस की वैल्यू कितना है? 10/(s²) 10s + 11s + 10 सर, ये लिख दिया अपन, यस। हाँ, 2 जीटा ओमेगा की वैल्यू कितना है? किसी को जीटा निकालने का बड़ा इंटरेस्ट है, वैसे तो हमको पता है जीटा 1 से ज्यादा आएगा, क्यों? नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट, 2 जीटा ओमेगा की वैल्यू 11 है। आपको ये ना बोल दे कि सर थोड़ा आज फास्ट पढ़ा रहे हो, तो भाई फिर तो मेरे को कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? आप फास्ट पढ़ा रहे हो तो क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि आप मेरे बेटे को, आप समझ रहे ना, क्लास 1 में जब था तो उसको जो टेबल होता था वो बड़ा स्लो स्लो पढ़ाते थे, अब वो आगे क्लासेस में बढ़ गया तो हर बार उसको 1 2 3 4 तो वैसे नहीं सिखाएंगे। अगर मेरे बेटे को लगे कि नहीं अब तो टीचर फास्ट पढ़ा, तो जिंदगी भर थोड़ी 1 2 3 स्लो स्लो पढ़ाते कोई भी, ये पढ़ चुके अपन, ये तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो किसी को अगर लगता है कि फास्ट हो रहा है तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको अपने घर में रखो, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं, ना दुनिया का ना मेरा, किसी का भी नहीं, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम। 5.7/√10 जीटा की वैल्यू, जीटा बढ़ा रहा हूं। अब आपको ओवरडम सिस्टम नहीं पता तो कोई क्या कर सकता है, तो किसी को लगे फास्ट तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, अपने घर में रखे। बोला जीटा की वैल्यू बताओ यार कितना आ रहा है? 1.739। क्योंकि क्या, मैं नहीं बोलूंगा तो एक दो लोग सोच देंगे कि सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, नहीं बोल रहे तो मन में सोच लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताया कि मेरे बेटे को जिंदगी भर वो लोग टेबल ना स्लो स्लो नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जिंदगी में पहली बार पढ़ाया था स्लो, उसके बाद फास्ट ही पढ़ाएंगे। अब जिंदगी भर क्या उसको एडिशन सिखाया एक बार, और उसको जिंदगी भर क्या एडिशन ही सिखाते रहेंगे स्लो? नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी में किसी के साथ भी। 1.739 ये जीटा की वैल्यू, हमको बताओ जीटा की वैल्यू 1.739 कब कहां रखेंगे, किस जगह पर रखेंगे? पहले वाले में ए, मतलब पहला कि बी, दूसरा कि सी, दोनों जगह, इतनी पॉसिबिलिटी बताए। ए मतलब पहले वाले में, बी मतलब दूसरे वाले में, और सी मतलब दोनों में। कहां रखेंगे जीटा की वैल्यू बताओ? कहां
कहाँ रखेंगे 1.739, और मेरे को तो एकदम क्लियर रहता है स्पीड विस्पीड, मेरे को एकदम पता रहता है, वो मेरे को एकदम क्लियर रहता है, मेरे को कब कितना तेज बोलना है, है वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे रखना है, कब फास्ट पढ़ाना है, कब स्लो पढ़ाना है। कहां पर रहेगा, ए में रहेगा बी में रहेगा, कहां रहेगा, ए में रहेगा बी में रहेगा, यार पूछ रहा हूं है? अरे जीटा की वैल्यू 1.739 कहां रखोगे? रख दिए, रखेगी नहीं बताओ ना भैया, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा बी, कोई बोल रहा सी, कहां रखो क्या जीरा की वैल्यू 1.739। अरे सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, अरे जब मैं जीटा बेस सिस्टम नहीं पढ़ा था तो कैसा सिस्टम कभी नहीं बना था क्या? आराम से सुनो, दुनिया में वैसे भी जीटा बेस सिस्टम बोर्डे प्लॉट में नहीं पता लोगों को, बुक उठाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो चलो मैक्सिमम लोग तो पता नहीं, ठीक है? अब बात करते गिने चुने लोगों की, बोर्डे प्लॉट जीटा बेस सिस्टम की बातें चल रही है। क्या मैं आपको अगर जीटा बेस सिस्टम नहीं पढ़ाता, चलो मान लेते जीटा ही नहीं समझाता, बोर्डे प्लॉट में कोई नहीं पढ़ाता है मैक्सिमम लोग, तो क्या ये फिगर नहीं बनता? अबे दो पोल क्यों नहीं बनेंगे, एक पोल वन पे है, एक पोल माइनस वन पे, एक पोल माइनस टेन पे, क्यों नहीं बनेंगे? देयर आर टू पोल्स यार, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, पहला स्लो माइनस 23 पार्टी के ड्यू टू फर्स्ट पोल, सेकंड वाला फिर से माइनस 20 तो 14 डिग्री हो गया, माइनस 40 हो गया, क्या इसके पहले ऐसा फिगर नहीं बना? बना था तो वहां जीटा लिखे थे क्या? अरे वहां जीटा लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे तो क्यों लिखेंगे? अरे क्यों लिखेंगे, कोई भी जो सेकंड ऑर्डर ड्यू टू टू डिफरेंट डिफरेंट पोल्स के कारण जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ओवरडैम सिस्टम होता है भैया। इसका मतलब है कि आपकी कॉपी में ओवरडैम सिस्टम ऑलरेडी बने हुए थे, जिनको जीटा बेस सिस्टम नहीं भी पता बोर्डो प्लॉट का, तो भी तो वो लोग ओवरडैम बनाते ही है। जब भी आप दो पोल बनाए हो आज तक माइनस 20 फिर एक और माइनस 20, तो अपने आप ही जीटा बेस सिस्टम था ओवरडैम सिस्टम का, तो बनाने की जरूरत है? नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है। नो ए नो बी नो सी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब सर, इसका मतलब देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ ओवरडैम्पिंग बोर्डे प्लॉट। यस, वैसे भी टू पोल्स तो आप हमेशा लेते, क्या ये मिस्टर बोर्डे स्टाइल में कभी यूज नहीं किए क्या? किए, अरे खत्म होने वाला भैया आज तो बोर्डे प्लॉट नहीं यूज किए, किए क्या लिखते थे वहां जीटा? कैलकुलेट करके लिखे क्या कभी? नहीं लिखे, तो अभी क्यों लिखेंगे? इसका मतलब देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ ओवरडैम सिस्टम इन बोर्डे प्लॉट। क्या बात है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डैम इन बोर्डे प्लॉट। तो क्रिटिकल डैम के बारे में कोई बात नहीं होती। यस, ओवरडैम सिस्टम तो वैसे भी टू सिस्टम जो होते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम वो होते ही यार। इसका मतलब सर कि क्रिटिकल डैम कभी कोई लेना देना नहीं बोर्डे प्लॉट से? यस सर, ओवरडैम का भी नहीं। अरे ओवरडैम होता ही है तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अरे टू डिफरेंट पोल है ना, इसी को अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगा तो क्रिटिकल डैम बन जाएगा, तो क्या हमको लेना देना है इसका? नहीं सर। क्यों बता रहा हूं फिर? इसलिए कि आपको यह ना लगे कि सर सिर्फ आप अंडर डैम सिस्टम का बोर्डे प्लॉट बताए, क्रिटिकल और ओवरडैम का तो बताए नहीं सर, तो हम क्या करेंगे? इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है कि भैया आप ऑलरेडी जानते हो क्रिटिकल डैम का, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ओवरडैम भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी जीटा कैलकुलेट करके लिख दोगे, ठीक है? ओके, इसके अलावा देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डैम एंड ओवरडैम इन बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डैम एंड ओवरडैम इन बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट, नोट डाउन। तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है? हाँ, किसी को डाउट? हाँ, क्लियर सबको? यस सर, इसलिए मैं बता आपके पास कि आपको लगे नहीं कि सर ओवरडैम में क्या करते होंगे, कुछ नहीं करते भैया ओवरडैम में, कुछ नहीं होता आपके पास, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो आप पढ़ते सब ओवरडैम ही यार, जब भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के दो पोल पड़े हो आप सब ओवरडैम भी थे ना, नेगेटिव एंड इक्वल रियल रूट्स तो ओवरडैम जी सिस्टम होता था, तो बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है? हटा रहा हूं, ठीक है? क्लियर नोटेड, चला जाओ, हटा दो।
हाँ उसको भी सब हटा दो। तो हमको पता चला कि जैसे लास्ट क्लास में जो हम किए थे वही बड़ा गुड था। यस, जो हम लास्ट क्लास में किए थे वही बड़ा गुड था। क्लास वाला जो है ना स्टडी स्पेस वाला, उसको 8 o'clock कर दो। अभी कुछ ना कुछ पढ़ाते रहूंगा तो उसको 8 o'clock कर दो, ठीक है? तो ठीक है, हमको पता चल गया कि क्रिटिकल डैम सिस्टम और ओवर डैम वाले में तो कोई बात ही नहीं है, और अंडर डैम तो हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। केस नंबर 4 क्या हो सकता है सर? जीटा 0, यस। अनडैम्ड ऑसिलेशन, यस। अनडैम्ड ऑसिलेशन, ये अनडैम्ड ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन में क्या होगा सर? ट्रांसफर फंक्शन ये है भाई, देखना ध्यान से, इसमें भी क्या स्पेस होता है वो देखते हैं। ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन कितना होता है सर? एस स्क्वायर प्लस ट्रांसफर फंक्शन 2 जीटा ओमेगा एन, के भी लिख सकता हूं, डोंट वरी फॉर दैट। सर अगर मैं बोल रहा हूं कि जीटा 0 हो गया तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसफर फंक्शन हो गया यार ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ओके, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1/1 प्लस एस बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। तो बताओ आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ये लिख दिया अपन, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? देखो जरा ध्यान से, क्या वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? जीटा 0 गुड कर दिया, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? कभी कभी हमको लगता है कि सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा एन अच्छा लग रहा है सर, नहीं गलत बात है। क्यों? एक्चुअली ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब होता है ना तो 1 प्लस जो दिख रहा है आपके पास क्या एस अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर होता है, दिस वन, ये माइनस 43 पार्टिकल्स, दिस वन। ये कभी भी फॉर्मेट नहीं होता, ये मिस्टर बोडे स्टाइल है ही नहीं। अगर आपके पास टी ऑफ एस की वैल्यू अगर 1 प्लस एस बाई ओमेगा एन का स्क्वायर अगर आ रहा है तो ये मिस्टर बोडे स्टाइल ही नहीं है। नो मिस्टर बोडे स्टाइल, मिस्टर बोडे स्टाइल ही नहीं है ये, मिस्टर बोडे स्टाइल ही नहीं है। वो देखने में लगता है कि मिस्टर बोडे स्टाइल हो रहा होगा, नहीं है वो। देखो जरा ध्यान से, देखने में लगता है नहीं, ऐसा कोई भी मिस्टर बोडे स्टाइल नहीं होता। इसका मतलब है कि बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशन, यस 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 सर। तो बात ही खत्म हो गई सर, मतलब लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उतना ही जीटा होता है। हाँ, अंडरडैम सिस्टम के लिए हम बात कर पाते बोडे प्लॉट की, वो भी कुछ लोग जानते हैं। बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशन, मिस्टर बोडे स्टाइल है ही नहीं। बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशन, नोट डाउन, सीधा नोट कर लीजिए आप। नोट कर लेंगे आप, तो की पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशन। जैसे भी मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, अनडैम्ड ऑसिलेशन इन द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, आप जानते हो। तो मैं क्या बोला, की पॉइंट के नाम पे पहला पॉइंट लिख लिया कि बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशन। अच्छी बात हो गई कि सर ये तो होता ही नहीं, चलो खत्म बात हो गई। यस गुड, बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द अनडैम्ड ऑसिलेशन। बोडे प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अनडैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है सर, अच्छी बात। सेकेंड नोट करेंगे, इन बोडे मैग्नेटिक प्लॉट स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, इन बोडे मैग्नेटिक प्लॉट स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, इन बोडे मैग्नेटिक प्लॉट स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन विल बी कॉन्स्टेंट। क्या मतलब इसका देखेंगे, इन बोडे मैग्नेटिक प्लॉट स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन विल बी कॉन्स्टेंट। इन बोडे मैग्नेटिक प्लॉट स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, लिख लिए भी हम, क्या मतलब है देखते हैं।
थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम इन ब्रैकेट जीटा इक्वल टू जीरो, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम इन ब्रैकेट जीटा इक्वल टू जीरो, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम इन ब्रैकेट जीटा इक्वल टू जीरो, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम इन ब्रैकेट जीटा इक्वल टू जीरो, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम इन ब्रैकेट जीटा इक्वल टू जीरो, इन केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम इन ब्रैकेट जीटा इक्वल टू जीरो, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंजेस, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये लिखिए अपन थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, स्टार डाल रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में स्टार डाल रहे हैं, बोडे प्लॉट इज एन एसिम्प्टोटिक प्लॉट ऑफ ए कॉन्स्टेंट स्लोप एट हाई फ्रीक्वेंसी, सही एकदम स्टार डाल रहे हैं, ये मस्त किसी बुक में स्टेटमेंट मिला था मेरे को, क्या बोडे प्लॉट इज एन एसिम्प्टोटिक प्लॉट, बोडे प्लॉट इज एन एसिम्प्टोटिक प्लॉट ऑफ ए कॉन्स्टेंट स्लोप एट हाई फ्रीक्वेंसी, बोडे प्लॉट इज एन एसिम्प्टोटिक प्लॉट ऑफ ए कॉन्स्टेंट स्लोप एट हाई फ्रीक्वेंसी, ऑफ ए कॉन्स्टेंट स्लोप एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये स्टेटमेंट मेरे को मिला था किसी जगह, क्या मतलब बता देता हूं, एसिम्प्टोटिक प्लॉट है और कॉन्स्टेंट स्लोप एट हाई फ्रीक्वेंसी, सर क्यों बोल रहा है कॉन्स्टेंट स्लोप, मतलब स्लोप सेम है, मतलब लाइक एग्जाम्पल वन अपन ले रहे हैं, तो कोई भी आप बॉडी प्लॉट जब बनाते हो ना, कोई भी बॉडी प्लॉट जब बनाते हो, तो सपोज करो ये आपके पास था, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सपोज करो, ये स्लोप माइनस 20 डीबी पर डिकेड है, ये इसमें लो फ्रीक्वेंसी रीजन क्या है, वो तो ये है सर, ओके ओके, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ये लास्ट वाला रीजन, इसका स्लोप कॉन्स्टेंट है माइनस 20 डीबी पर डिकेड इज द कॉन्स्टेंट, ये टी ऑफ जी ओमेगा लिख दिया, ये स्लोप जो है आपके पास माइनस 20 पर डिकेड है ऑलवेज, एग्जाम्पल नंबर टू डाल देता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर टू ये दिस वन, ये आपके पास गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ये गया ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये दिस वन ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा सी वन, ये ओमेगा सी टू, ये ओमेगा सी थ्री, ये कौन सा होता है, पहला रीजन लो फ्रीक्वेंसी, लास्ट इज द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, कितना स्लोप सर जीरो डीबी पर डिकेड इज द कॉन्स्टेंट स्लोप, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन जब भी आप बनाओगे तो कॉन्स्टेंट स्लोप होता है, जो भी स्लोप हो ऑलवेज, अब वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता, जैसे जी ऑफ जी ओमेगा है, ये आपके पास इस, ये कोई भी आपके पास वैल्यू जिधर लो फ्रीक्वेंसी रीजन सपोज करो 20 डीबी पर डिकेड, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पहला वन, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दूसरा, ऐसे रैंडमली फिगर ले लेते, थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फोर्थ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर ये फिफ्थ, नहीं नहीं फिफ्थ नहीं है, सपोज करें माइनस 20 डीबी पर डिकेड, ये लास्ट वाला रीजन, इसी को हाई फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, सबसे लास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला रीजन, ये सपोज करें स्लो माइनस 20 पर डिकेड, तो कॉन्स्टेंट है बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जो ऑलवेज माइनस 20 पर डिकेड, अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये लास्ट है ना, इसके बाद क्या चेंज होगा, चाहे जीरो डीबी पार्टिकेट हो चेंज नहीं हो सकता, चाहे माइनस 20 पार्टिकेट हो चाहे प्लस 20 हो, जो लास्ट रीजन होता है द लास्ट रीजन, लास्ट रीजन, जैसे इनिशियल रीजन को आप बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन, वैसे लास्ट रीजन को आप बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, दिस वन, जैसे आप इनिशियल रीजन को बोलते हो जो पहला रीजन होता है जहां से बॉडी प्लॉट स्टार्ट होता है, इनिशियल रीजन को क्या बोलते हैं सर, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, वैसे लास्ट रीजन को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, जो भी स्लोप है माइनस 20 पर डिकेड ये कॉन्स्टेंट है, क्या मतलब है कॉन्स्टेंट का, भैया माइनस 20 पर डिकेड कभी भी जीरो डीबी या माइनस 40 नहीं होगा, क्यों, इसके बाद कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकता, क्यों, अरे लास्ट है ना, इसके बाद कैसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा, तो बोला जाता है कि बॉडी प्लॉट जो होता है वो एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है, यस विद कॉन्स्टेंट स्लोप एट हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखा रहता बहुत किसी अच्छी बुक में मिला था लास्ट स्टेटमेंट, दिस वन, तो जो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होता है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम आपको जानते हो आपके पास जीटा इक्वल टू जीरो सिस्टम, तो उसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट के लिए वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, आपको पता है कि रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे और आपका जो स्लोप होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा,
तो ये देखा जाता है आपके पास, क्योंकि मार्जिन स्टेबल सिस्टम है। फिर इतना किसी को जानने की नीड भी नहीं रहती, मतलब अगर कोई बोले कि सर इतना जानने, किसी को नीड नहीं रहती। आप बस, आपको अगर ये पता, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको ये पता है कि ये मिस्टर बॉडी स्टाइल नहीं है, यही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि कोई पूछने का सवाल पैदा होता है नहीं, जब होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई पूछेगा क्यों? मैं क्या बताया आपको, ये ना लगे कि सर अनडैम के बारे में बात नहीं किया। चलो क्रिटिकल डैम आप बता दिए, ओवर डैम आप बता दिए सर, लेकिन अनडैम को तो कुछ नहीं बोले। पता चला किसी दिन को अनडैम बोल दिया, तो आप बोल दो कि ओमेगा नहीं था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को बताना पड़ा नहीं भैया ये मिस्टर बॉडी स्टाइल ही नहीं है। तो आप यही मान सकते हो कि मिस्टर बॉडी स्टाइल नहीं है, इसलिए सर बॉडी प्लॉट नॉट वैलिड। इतने में आपकी जिंदगी तर जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा आपको पता है मतलब होगा। अब किसी को अगर जानना है तो बोले सर तो मार्जिन स्टेबल सिस्टम है, मार्जिन स्टेबल सिस्टम है। बोला जाता है बॉडी प्लॉट एक एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है विद द कांस्टेंट स्लोप एट द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। व्हाट डू मीन बाय द हाई फ्रीक्वेंसी? लास्ट वाला रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। इनिशियल वाला जहां से स्टार्ट होता है वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन, जहां पे एंड होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, चाहे -20 हो, चाहे 0 dB पार्टिकल हो, चाहे -20, कुछ भी हो सकता है। तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा मार्जिन स्टेबल सिस्टम में पॉसिबल नहीं ऐसा कर पाना, तो मिस्टर बोडे भैया, मिस्टर बोडे बोले कि इसमें मैं अपना कोई स्टाइल नहीं दे सकता, मैं बहुत देखा लेकिन मार्जिन स्टेबल सिस्टम है तो इसमें मैं अपना स्टाइल नहीं दे पाऊंगा, इसमें मैं अपना स्टाइल नहीं दे पाऊंगा, अवॉइड दिस। क्रिटिकल डैम में तो जरूरत ही क्या, रूल्स रिपीटेड थे, ओवर डैम वैसे भी होता है करके, डोमिनेंट प्लॉट का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बोले कि स्ट्रिप बॉडी प्लॉट, बोले कि एक सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड जीटा बेस वेयर जीटा 0 to 1 के लिए मैं एक अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूं, उसको अप्लाई कर सकते हो आप, बाकी के लिए जानने की नीड नहीं, होता ही नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे आप बता देंगे तो ये आपके पास हो गया। हाँ, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। तो ठीक है, ये वाली बात कर लिया, बोर्ड में से हटा देता हूँ। बट मेरे को चाहिए सबसे पहले कि आपको लो फ्रीक्वेंसी रीजन कोई बोलता है तो आपको पता रहे कि व्हाट डू मीन बाय द लो फ्रीक्वेंसी रीजन। पहला कोई बोले कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, तो आपको मतलब पता रहे कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, व्हाट डू मीन बाय द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, वेयर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन विल एग्जिस्ट, तो आपको पता रहना चाहिए, टर्मोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बैठा दिए। तो ओवरऑल 4 केसेस पड़े, बाकी के 3 केसेस आपके मिस्टर बॉडी स्टाइल में से, लास्ट वाला केस तो बॉडी स्टाइल ही नहीं होता है, मिस्टर बॉडी स्टाइल का, और बाकी के जो 2 केसेस थे आपके पास उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। चलो डाल, ठीक है, ओके। बुकलेट में क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बेस आपके पास ना एक बार बात हुई है, कैसी बात हुई है, क्वेश्चन बात हुई थी 2014 में, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से जो बेसिक फ्रेम था, ऐसी बात बहुत ज्यादा नहीं होती है, वर्कबुक का क्वेश्चन है, गेट 2014 का क्वेश्चन, ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जीटा बेस आ जाए ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी फॉर द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू, फॉर द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू क्या सर, 5s+4 अपॉन s+0.25 s स्क्वायर प्लस 4s+25। ये दिस
क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट गेन टर्म एंड द हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी प्लॉट रिस्पेक्टली। बड़ा सिंपल सा पूछा था कि भैया कॉन्स्टेंट गेन टर्म, व्हाट डू मीन बाय द कॉन्स्टेंट गेन टर्म। सर बॉडी प्लॉट में कॉन्स्टेंट गेन टर्म क्या होगा, सर बॉडी प्लॉट की बात चल रही ना, कॉन्स्टेंट गेन टर्म, यस ये इसी को के बोलते हैं, बट बॉडी प्लॉट का के मिस्टर नहीं लिख पा रहे ना, मिस्टर लिख सकते मिस्टर बॉडी प्लॉट का के, व्हाट डू मीन बाय द के, वो यार डीसी गेन किसका जो लिखा होगा ऊपर, डीसी गेन आप कुछ बोलना नहीं, बस जो ऊपर लिखा होगा जी ऑफ एस इसका डीसी गेन, दिस वन द कॉन्स्टेंट गेन टर्म। ओके 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 ओके, ये मिस्टर बॉडी स्टाइल में है क्या, नॉट मिस्टर बॉडी स्टाइल, कन्वर्ट करेंगे मिस्टर बॉडी स्टाइल थोड़ी यार, वन प्लस होता है ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो ये नॉट मिस्टर बॉडी स्टाइल है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि के की वैल्यू 5 है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर के की वैल्यू 5 है सर फ्रॉम जी ऑफ एस, फ्रॉम जी ऑफ एस, तो फिर तो खत्म ही बात हो गई, ये तो क्राइम है, मतलब ये क्राइम का फॉर्म है, वन ऑफ द क्राइम फॉर्म। क्यों, आप ही तो बोले थे सर आउटसाइड वाली वैल्यू के लिए ना, ये क्राइम है, ये क्राइम है, क्यों, ये नॉट मिस्टर बोडे स्टाइल है, मिस्टर बोडे स्टाइल होना चाहिए भैया, नॉट मिस्टर बोडे स्टाइल ट्रांसफर फंक्शन। ओके कैसे बनाया, बना लेंगे, इतना तो हमको आता है, 5 को रहने दो, क्या बाहर निकालोगे सर, 4 बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है सही है, 1 प्लस एस बाई 4, और सर एक एस तो था ही 0.25 बाहर निकाला सर, एस तो था ही, 1 प्लस एस अपॉन 0.24 हो गया, 25 हो गया सर। ओके यहां से 25 बाहर निकालो, क्यों सर, अरे 25 बाहर निकालोगे आप तभी तो 1 बनेगा ना, तो 1 प्लस 4s बाई 25 प्लस s बाई 5 का होल स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, ये आपके पास जीटा बेस सिस्टम होते हैं। अगर आप बोलोगे कि कैसे सर आप किए, यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना है बताओ, आपके पास 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू सर 4 है, ओमेगा n की वैल्यू कितना है सर 5, सर 25 है, नहीं ओमेगा n स्क्वायर है, कितना आ गया सर जीटा की वैल्यू 0.4 सर, मतलब अंडर डैम्प्ड, ठीक है। एक सर अंडर डैम सिस्टम को आप कैसे लिखते हो मिस्टर बोडे स्टाइल में, मिस्टर बोडे स्टाइल में एक अंडर डैम सिस्टम को कैसे लिखते हो सर, 1 प्लस 2 जीटा एस बाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी प्लस 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 एस बाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, दिस इज द स्टाइल मिस्टर बोडे स्टाइल, यही लिखा हूं, बिकॉज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज सर 5 सर, 25 बाहर निकालोगे तो 1 प्लस 2 जीटा एस बाई, देखो 2 जीटा एस बाई ओमेगा सी और एस बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है सर 5 सर, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है सर, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होते हैं जो स्क्वायर वाला है, तो इस टर्म से देखने के बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है, इस टर्म से अगर मैं देखूं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है सर 4 सर, ओके ओके ओके, इस टर्म से यार इस टर्म से ये इस टर्म से एस बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर 0.25, ओके ओके, इस टर्म से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा अच्छा टर्म है, सेकंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम का टर्म्स है, इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये इसका स्टाइल है सर 5, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो गया, अगर कोई मैक्सिमम बोले तो सर 5 सर 5 रेडियन पर सेकेंड, ओके मिनिमम कोई बोले तो, मतलब कोई कुछ भी पूछ सकता है ना कि मिनिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो सर कितना है सर 0.25, यस 0.25 रेडियन पर सेकेंड, कोई मिनिमम पूछेगा तो 0.25, कोई मैक्सिमम पूछेगा तो 5, जो दिख रहा आपको। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात कि सर वो जो के है वो कितना होगा यार, जो बाहर का बचा सर, बाहर का तो 20 बचा, नहीं 20 नहीं बचा, 5 × 4, नीचे एक और 0.25 भी बचा है, देखो ध्यान से, और सर 25 भी बचा है, अच्छा अच्छा 5 × 4 5 आ गया, अच्छा तो 0.8 डिवाइड बाय 0.25, नहीं इतना आ गया आपके पास, तो 0.24, तो 0.8 × 4 आ गया 3.2 आ रहा है, बोला डीसी गेन की वैल्यू, इस कांस्टेंट गेन टर्म बोडे प्लॉट में कांस्टेंट गेन टर्म मतलब वो डीसी गेन होता है, कांस्टेंट गेन टर्म दैट मींस द डीसी गेन किसका, उसी का जिसके लिए निकाल रहे, हवा में किसी का भी नहीं बोलना, डीसी गेन आप जी ऑफ एस, सर जी ऑफ एस के हमको क्या बताया यार, जी ऑफ एस के ऊपर वाले को भी कैसे पता होगा, जी ऑफ जी लिखने से थोड़ी खुश हो जाते हैं, डीसी गेन ऑफ जी ऑफ एस कांस्टेंट गेन टर्म डीसी गेन ऑफ जी एस कितना आया सर 3.2, ओके गुड है, तो कांस्टेंट गेन टर्म इज 3.2 इज नॉट 5 जो बार का नंबर लिखा होता, क्योंकि मिस्टर बॉडी स्टाइल में था नहीं हूं, और मिस्टर बॉडी स्टाइल में नहीं था, बस हमको क्लियर है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या पूछा था, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से कोई एक पूछा है तो हम आंसर दे देंगे, देख ले एक बार आप, तो बॉडी स्टाइल में था आपके पास कि मिनिमम हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना हो, तो बोले 5 है, और गेन कितना है तो 3.2 है, कोई लिखा सोमेश लिखा कि बार्क में आया था, अगर किस बार आया था कि किसी को नहीं पता मेरे को, क्योंकि तो गेट 2014 का क्वेश्चन है, और नॉर्मली गेट के कई बार क्वेश्चन को ले लेते हैं,
क्या दूसरे दूसरे एग्जाम में लोग ले लेते हैं, तो कुछ स्टाइल चेंज करके, कुछ डेटा चेंज करके, ऐसा होता रहता है। हाँ देख ले एक बार, यस सर आया था सर करके दो एक लोग लिख लिए, उस समय तक नहीं पढ़े थे तो छोड़ के आ गए। ठीक है इट्स ओके, मतलब मैं क्या पता एग्जाम ही आने वाला, अभी तो हम ये पढ़ रहे ना, तो अभी हमको अभी हम बॉडी प्लॉट एक बार पढ़ लिया तो फिर कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बॉडी प्लॉट का बना लेंगे, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बॉडी प्लॉट का बना लेंगे, हमको बहुत ज्यादा क्लियर है। फाइव नहीं बोलना भैया, फाइव बोलना तो क्राइम हो जाएगा, तो ये बात हो गई कि भैया अब क्या ही बोले, मतलब नो कमेंट्स वाली बात है सर। बाहर का नंबर, बाहर वार का नंबर थोड़ी कुछ होता है, मतलब कोई बाहर का नंबर बोल देगी सर फाइव तो फिर तो कोई कमेंट्स ही नहीं है, कुछ भी बात ही नहीं, जिंदगी की बातें नहीं है सर। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, तो इसमें क्या अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात ये थी कि सेकंड ऑर्डर जीटा बेस्ड सिस्टम का आपको स्टाइल पता होना चाहिए, जो अंडरडैम सिस्टम होता है दिस टाइप, ये तो ओमेगा सी जो है वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, दिस वन यहां से निकाल लिया करो, एस बाय फाइव का स्क्वायर, तो फाइव इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नॉट 25, 25 नहीं, वो वैसे भी ओमेगा एन स्क्वायर 25 है, वैसे भी ओमेगा एन स्क्वायर 25 है, तो ओमेगा एन क्या है सर, 5 रेडियन पर सेकेंड। अरे ओमेगा एन ही तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होता है, यही तो पढ़ाया हूं मैं आपको, यस ये तो पढ़ाया हूं मैं आपको, यस सर। हाँ वो स्टडी स्पेस लिखवा होगा, टॉपिक लिखा है ऑलरेडी, लिखा अंकिता लिख के रखी है। हाँ चलो क्लियर नोटेड, बोलो यार अच्छा क्वेश्चन था सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, एक बड़ा अच्छा था ये कांस्टेंट गेन टर्म्स एंड ऑल। क्लियर नोटेड बोल दो यार एक बार, फिर अगर मैं बोलूँ आपके पास कि यही से अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, यहाँ से पूरा हटा देता हूँ, पूरा हटा देते बोर्ड में से, चलो आ जाओ पूरा हटा दो, यहाँ से पूरा हटा दो, इसको छोड़ देना बस, ये पहला वाला, ये पहला वाला, उसके बाकी पूरा हटा दो। बड़ा गुड क्वेश्चन था, नहीं ये वाला सेकेंड ऑर्डर जीटा बेस सिस्टम के बारे में बातें थी। ट्रांसपोर्टेशन डिले की जरूरत नहीं होती, बॉडी प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट हम बनाते हैं तो मॉड करने की बात तो खत्म हो जाता है। देखो ध्यान से, आपके पास ये क्या था, ये तो क्या क्वेश्चन हो गया, एग्जाम का था, एग्जाम में जो पूछा गया था, अब कोई अगर बोले हाईएस्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी तो जो सबसे ज्यादा होगा बता देना भाई, लोएस्ट तो लोएस्ट बता देना, इट्स ओके। ये हमको पता चल गया क्या, डीसी गेन जो 5 है 5 नहीं 3.2 है सर, कैसे सर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पता है ना सर, 1 प्लस एस बाई 4, ओके ओके, ये एस है, ये 1 प्लस एस अपॉन 0.25,
और ये कितना था सर, 1 + 4s/25 + s/5 का होल स्क्वायर। ये ओके ओके, अभी तो बताया मैं, ठीक है सर। अगर मेरे को कोई बोले कि बोर्डे एसिम्प्टोटिक बोर्डे मैग्नेटिक प्लॉट ड्रॉ करो, एसिम्प्टोटिक बोर्डे मैग्नेटिक प्लॉट, मतलब एक ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, एसिम्प्टोटिक बोर्डे मैग्नेटिक प्लॉट, ऐसा अगर आपको ड्रॉ करने कोई बोले, बड़ी बात है बट फिर भी मान लेते हैं। तो सर क्या है, वन पोलेट ओरिजिन, तो हमारे पास फोकस क्या होना चाहिए सर, वन पोलेट ओरिजिन, वन बाय इसका एक फिगर बनाए, वन बाय इसका फिगर पता है सर आपको, हाँ यही से तो स्टार्ट किए थे, कितना होता है 20 dB सर, ये कितना 0 dB, 10 पे तो बना लेते ना सर, 10 पे -20 dB क्या बना रहे हो आप सर, मैं बना रहा हूँ सर 1/s का फिगर, किसका फिगर, 1/s का, ओके ओके, ये 1/s का फिगर, एक ट्रांसफर फंक्शन है 1/s कोई भी रैंडमली, ये स्लोप कितने का सर, -20 dB पर डिकेड का, k की वैल्यू कितना है अभी 1, दिस g1 k, जो g1 का k है वो कितना है 1। अब मैं आपको बोलूँ कि नहीं यार एक्चुअली ना 3.2/s का फिगर बनाना है, तो क्या होगा, k की वैल्यू होगा 3.2 है, इफ k इज इक्वल टू 3.2 तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो बोर्डे प्लॉट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पता है कितने से, k से, मतलब 20 log k से, बताओ 20 log k कितना होता है, मतलब 20 log 3.2 कितना होता है बताना, मस्त बताता हूं मैं आपको, अरे 20 log 3.2 कितना होता है बताओ, है ना, मस्त ही बता रहा हूं मैं आपको, बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करता हूं, वैसे तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूरत नहीं रहती, लेकिन मैं ये भी बता देता हूं आपको कि आपको अगर कोई कभी जिंदगी में बेहतरीन टाइप से कभी अगर आपको किसी को बताना पड़े कि बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करना है, ये लो क्या आसान, क्या आपको क्लियर है जी, बताएं ये बेसिक फिगर क्लियर रहना चाहिए, अभी K1 के साथ, फिर K तो सर कुछ है, अरे K डाल देंगे ना, अगर 1 से कम होता तो नीचे आ जाता यार, कितना है 10.10 dB सर, ओके ओके 10.10 dB ये अप करेगा, अप करेगा मतलब 20 कहां पहुंच जाएगा सर, 30 पे पहुंच जाएगा, हाँ कोई प्रॉब्लम क्या है, ये लो सर 30.10 पे पहुंच गया सर, 30.10 dB, ओके ओके, 1 वाला जो 0 dB पे था सर, 1 वाला कहां पहुंच गया पता है सर आपको, 0 से 10.10 सर, ओके ओके 10.10, ये ठीक है, ऐसे बना दिया अपन, ये फिगर जा रहा है आपके पास, ये -20 पर डिकेड का, तो k की वैल्यू यहां पे आपके पास वैल्यू कितना आ रहा होगा सर, 0 dB कहां पे हो रहा है सर, k इक्वल टू ओमेगा जीसी सर, 3.2 आ रहा होगा, सही यार गुड कंसेप्ट है आपका तो एकदम, हाँ सर आप ही पढ़ाए हो सर, कैसे लिख दिया, अरे ओमेगा जीसी की वैल्यू k के बराबर होता है जब स्लोप -20 पर डिकेड होता है, 10 पे कितना होगा -20 dB, 10.10 से ऊपर चल जाएगा तो -9.9 ना, यस माइनस आपके पास, और 10 से ऊपर चला गया तो -10 हो गया, उसमें से और भी कम कर दो 0.1 कम कर दो बोला 10 में से, तो -9.9, तो सपोज करो 10 पे कहीं पे आ रहा होगा कितना -9.9, क्या मतलब है मेरा, मैं तो आपको बताते जा रहा हूं कि कैसे आप सोचते होकर, ये सर ये समझ नहीं आया सर 3.2 कैसे लिख लिया, अरे यार k इक्वल टू ओमेगा जीसी होता है कब, जब 1/s होता है, स्लोप इज -20 dB पर डिकेड होता है, तब बन गया भैया k/s का फिगर, ये फिगर किसका है, ये फिगर है 3. कितना था सर 3.2, हाँ 3.2/s का फिगर है, ओके। अभी आपको क्या बनाना है सर, हमको 3.2/s नहीं बनाना है, हमको ना अभी तो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अच्छा पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है 0.25 सर, 0.25 मतलब कहां आएगा सर, 0.25 तो यहां आएगा ना सर, हाँ यहां आएगा, बहुत पास आएगा यार, हाँ तो 0.25 सर यही पे सर चेंज होने वाला स्लोप, नहीं हाँ सर यही पे स्लोप चेंज होने वाला, 0.25 जो है वो क्या है सर, वन पोल है सर, ये पोल है, ये पोल है सर, इसका स्लोप कितना है यार सर, ये तो वन पोलेट ओरिजिन है तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ ही रहा था, फिर ये पोल है 0.25, एक और -20 पर डिकेड एड होगा तो -40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -40, अब 0.25 है तो आप 1 की वैल्यू ले लो, कि सर 0.25 है 1 पे कितना आएगा सर, आपके पास देख लेते हैं नीचे झुकेगा तो 1 पे कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे सर, अगर मैं बोलूं कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और B अभी आपके पास चेंज होने वाला है कि 1 पे कितना होगा और स्लोप -40 dB पर डिकेड का है, देखो ध्यान से बोर्डे प्लॉट, तो बोर्डे प्लॉट में क्या टफ चीज होता है, बोर्डे प्लॉट को ड्रॉ करना टफ होता है, लेकिन आपको तो ड्रॉ करना नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो गुड कंसेप्ट होता है ड्रॉ करना होता है, आपको तो रिकवर करना होता है, रिकवर करना इज गुड इजी है सर, ये स्लोप आ रहा था सर, ये देखो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताते जा रहा हूं, क्या कैसे सोचते है करके, 30.10 था ये, यस सर, कितने का स्लोप था भैया सर, -20 dB पर डिकेड सर, वन पोलेट ओरिजिन सर, फिर एक फाइनाइट पोल ऐड की है, कितना 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 0.25 पे सर, कैसे लिखा था क्वेश्चन में सर, तो -40 dB पर डिकेड होगा, ये ऐसा एक लाइन चला गया -40 dB पर डिकेड,
कितना स्लो? सर -40 dB/d का. ओके चलो ठीक है. सर अगर मेरे को ये पता करना है कि वन कहां पे हो रहा होगा तो पता कर लूंगा कि यहां ए है. अब वन यहां है, यहां है, यहां क्या पता, बी पॉइंट वो हो जाएगा आपके पास. तो स्लोप ए बी कितना हो गया? स्लोप ए बी सर -40 dB/d. ओके वाई बी पता करना है, वाई ए वही पुट करूंगा मैं. कितना इस जगह पे जब आप आए थे आपके पास -20 dB/d था आपके पास, तो 0.25 पे आपके पास वैल्यू कितनी हुई थी? ये अब ये वैल्यू से आपको नीचे आना है. ये वैल्यू कितनी है आपके पास सर? ये कितना था सर? 0.1. ये 0.25 है. इसका स्लोप भी पता है, इस जगह का स्लोप भी पता है मेरे को -20 dB/d. ये मेरे को मैग्नीट्यूड पता है, ये मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना है, और ये 2 ओमेगा की वैल्यू है. क्यों ना सर मैं इस वैल्यू को निकालूं? कैसे निकालोगे यार? सर -20 = जिस जगह पे मेरे को ओमेगा की वैल्यू निकालना है वो वाई हो गया, जिस जगह पे पहले से पता है वो 30.10 हो गया, लॉग क्या 0.25 डिवाइड बाय 0.1. सॉल्व कर ले यार, वाई की वैल्यू पता चल गई. कौन सी वाली वाई की वैल्यू? ये इस जगह पे वैल्यू पता चल गया कितना मैग्नीट्यूड है. कैसे पता किया? सर हमारा यहाँ पे स्लोप चेंज होने वाला था तो हम बोले कि यार यहाँ पे पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरे को दूसरे वाले लाइन के बारे में तो पता करना है. ये एक्चुअल बनाने की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल बनाने की बात कर रहा हूं. अलग बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको बनाना तो पड़ता नहीं है. हाँ तो आप बोले थे आपके पास कि ये वैल्यू कितना है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास कितना है? 0.25 पे वैल्यू कितना है बताओ? 0.25 पे वैल्यू बताओ क्या वाई की वैल्यू? बताओ किसी का कोई निकला होगा भाई? सर 22.14 निकला सर, 22.14 dB निकला सर. गुड है, 22.14 dB सर. ओके ओके ओके, ये 22.14 dB. कोई घबराने की बात नहीं है, ये आगे भी है. ऐसे थोड़ी मजाक में थोड़ी हो जाता है यार, इतना बेहतरीन आना चाहिए लोग इसलिए बॉडी प्लॉट से डरते बनाने के लिए. सर मेरे को अभी और आगे का वैल्यू निकालना, निकाल लेंगे ना. देखो ना लॉग क्या ले लूं सर? अरे ले लो यार, क्या ले लो सर? अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है सर? अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है सर वो 4 है. तो क्यों ना सर मैं 4 पे पता कर लूं कि कहां जा रहा होगा? हाँ 4 पे पता कर लो यार, कहां से? 0.25 से. सर एक बार देखिए सर, थोड़ा सा देखिए आप, यहां देखिए सर -40 dB/d का जा रहा था स्लो. अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है सर? 4 है सर. तो मैं सोचा सर 4 पे मैग्नीट्यूड पता कर लेता हूं. अब 4 कहां आने वाला वो तो पता करने सॉल्व करने से पता चलेगा. तो मैं ओमेगा की वैल्यू पुट किया, इसी 4 पे मेरे को ये वाई की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए. सर -40 तो स्लोप है, कहां जा रहा वो आपको पता नहीं, कहां से आ रहा वो आपको पता है? कितना है? 22.14. इसलिए तो पहले उसको निकाले. कहां से आ रहा पता है, कहां जाएगा नहीं पता, बिकॉज ये किस जगह पे निकालना है सर? 4 पे. क्यों इतना इंटरेस्टेड 4 पे क्यों? सर अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, तो अपन क्यों टाइम पास करें, डायरेक्ट वही पहुंच जाते. चलो वाई बी की वैल्यू बता दो और फिर क्या करेंगे हम, लाइन को मिला लेंगे. ऐसा होता है ओरिजिनल जब आप सेमी लॉक बताते हैं. बताओ वाई बी की वैल्यू बताओ, बी पॉइंट बोल देते उसको. बताओ वाई बी की वैल्यू कितना आएगा? ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना. ये बड़ा एक गुड पॉइंट होता है, जब कोई बॉडी प्लॉट बना सकता है तो सॉल्व तो कुछ भी कर सकता है, बट ठीक है. इसलिए बॉडी प्लॉट बनाने से अच्छी बात है कि जरूरत नहीं पड़ती. -26.02 आ रहा बोल रहे कुछ लोग, -26.02 आ रहा ऐसा बोल रहे कुछ लोग. ठीक है और भी चेक कर लेते हैं. एक बोला -26.02, एक और बोला चार लोग बोलते हैं -26.02. ओके तो चलो -26.02 आ गया, देखना ध्यान से. ये फिर क्या करते हो, -26.02 तो 0 dB है, -26.02 आपके पास यहाँ जा रहा होगा, ऐसा एक मैग्नीट्यूड बना लिए -26.02 dB. फिर क्या करना रहता है, उसको मिलाना रहता है. ये मिला दिए सर, अरे मिला दिए इस लाइन को. पता है ओमेगा की क्या वैल्यू है सर? ये ओमेगा की वैल्यू 4 है सर. हो गया भैया यहाँ तक, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है आगे, ये 4 ये डॉटेड डॉटेड लाइन चलेगा. ये बन गया सर. ये कितने का स्लोप है सर? -40 dB/d का. कैसे पता? अरे इसी को देख के तो सॉल्व किए, -40 dB/d. ओके ये अब सर 4 के बाद कितना है सर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? 5. इतना कम नहीं होता है, इतने पास बॉडी प्लॉट के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकते. लेकिन किसी को बनाना तो है नहीं, तो क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए इतना पास दिख रहा है आपके पास, क्योंकि उनको बॉडी प्लॉट से मतलब नहीं था इस क्वेश्चन. अगला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सर 5 सर. ओके कितने का स्लोप सर? -40 dB/d. पहले से कितना आ रहा है सर? -40. अच्छा तो -80 होने वाला है. हाँ सर ये बी पॉइंट ना. हाँ बी पॉइंट सर. चलो मैं अगर बोलू कि माइनस इसका बनाने वाले हैं, ये कितना होगा सर? -∞ सर. ये कितना सर? -40 dB/d.
सर आप बोले थे सर हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री पर डिकेड होता है तो -40 होगी -इनफिनिट, बीच में आएगा कहीं, ये मार लेते हैं अपन ऐसा, ठीक है सर। कितना सर? -80 डिग्री पर डिकेड। ओके सर, -80 कैसे लिखे सर? अरे सेकंड ऑर्डर पोल है, जीटा बेस सिस्टम, उसका -40, तो सर -40 लिखना था भाई, वो नहीं लिखते जो दिखता है, -40 का पहले से आ रहा था, -40 जगह पर और एड किए तो -80 डिग्री पर डिकेड हो गया। चलो सर सी पॉइंट बना लेते, स्लोप बीसी लिख लेता हूं मैं, स्लोप बीसी YC माइनस YB अपॉन लॉग ओमेगा C बाई ओमेगा भी, ध्यान देखना स्टाइल। स्लोप कितना है सर? -80, -40 लिखना चाहिए था, नहीं -40 पहले था, -40 और ऐड किए। किस जगह पे जाना नहीं पता भैया, कहां से आना है वो पता है बिल्कुल, -26 तो प्लस हो गया सर, 26.02। किस जगह से आ रहे वो पता है। अब देखो ध्यान से, ओमेगा C किस ओमेगा की वैल्यू पे निकालना है? तो बोले सर अगला जो वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 से आप जा रहे हो तो क्यों ना आपके पास आप 5 ले लो, और किस जगह से आ रहे हो, जैसे किस जगह से आ रहे हो तो 4 है, तो YC की वैल्यू निकल जाएगी। देखो YC की वैल्यू निकल गई, किस जगह पे निकालना सर? 5 पे, पास पास ओमेगा की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, बट 5 से निकालना सर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये से माइनस नहीं आया, अरे माइनस था प्लस हो गया, और ये पहले की वैल्यू, इस पहले पे कितना -26.04, इस पे अब निकालना है स्लोप कितना -80, YC की वैल्यू निकाल लो, YC की वैल्यू निकाल लो, कितना निकलेगा आपके पास? अच्छा 0 था, अरे यार हो 0 था, मैं तो सिर्फ पोली पोल लिखा, सॉरी पोली पोल लिख दिया, 4 से था, 0.5 से लेके 4 था यार, 4 पे तो आपके पास 0 था यार, तो +40 डीबी पर डिकेड था पता है, मतलब ये 0 ऐड किया ना कि -20 था, 0 ऐड किया तो फिर +28 हुआ, तो 0 डीबी पर डिकेड हो गया। अरे भैया वो 0 था बोल रहा हूँ, 0 कैसे करें, आसान था जबकि अपना अपना अपन तो और टफ कर दिया, आसान था, 0 था तो क्या था, +28 कर दे तो 0 डीबी हो जाता, बाद में फिर से कर देते अपन तो -40 दिख जाता, नहीं है ना? हाँ सर, इसका तो हम जो फिगर बनाए वो गलत नहीं है, बट क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन चेंज हो गया? हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया भैया, हमारा क्वेश्चन क्या, नया क्वेश्चन, कितना सर? 3.2 सर, एक पोल ओरिजिन, यस, फिर सर एक पोल 0.25 पे, यस, फिर एक पोल 4 पे, यस, फिर एक और पोल इसके बाजू में, 1+4s/25+s/5 का होल स्क्वायर, ये सब पोल बन गया। अब कैसे करें, अब हो गया अब गलती से, नहीं तो अभी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 0 वाला तो और आसान था कि +20 डीबी ऐड करते तो -20 से +28 करने से 0 हो जाता, -40 था -20 हो जाता, -40 में +28 करते तो -20 होता, फिर बाद में -48 करते तो -60 आता, अभी कितना हो गया -80 आ गया। तो चलो इसी की वैल्यू बता दो यार, YC की वैल्यू कोई बता रहा था, मान लेते कि क्वेश्चन चेंज है, कोई बोल रहा है सर -33.77, क्वेश्चन चेंज कर लिया अपन, -33.77 है, क्वेश्चन चेंज कर लिया यार मैं, ठीक है, मैं जो बताना चाहता बस वो देखो सर, -33.77 है सर, इसका मतलब सर आप क्वेश्चन चेंज कर लिए, याद रखना। हाँ हमें चेंज कर लिया, कैसे कर रहे आप, ये -37.77, इसका स्लोप कितना है सर? बिल्कुल सर 5 पे सर, आप ये वैल्यू निकाल लिए होंगे ना सर, ये 5 पे, ये 5 -33, ये 5 मिला दिए इस वाले लाइन को, इसका स्लोप कितना है सर? -80 डीबी। हाँ यहां जीटा लिखना पड़ेगा सर, जीटा अंडर डैम सिस्टम है, जीटा की वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जीटा की वैल्यू कितना है, 4s+25 था, जीटा की वैल्यू कितना था, 2 जीटा ओमेगा की वैल्यू कितना था सर, 2 जीटा ओमेगा की वैल्यू 4 था और ओमेगा की वैल्यू 5 था, तो 0.4 था सर, इस जगह पे मेरे को जीटा लिखना पड़ेगा 0.4, ये जीटा बेस सिस्टम था, ये अंडर डैम सिस्टम, जीटा बेस सिस्टम, तो ऐसा इंडिया के किसी एग्जाम में नहीं देखा कि कोई बॉडी प्लॉट दिया हो और जीटा बेस सिस्टम के लिए बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने को दिया हो। अभी तो एक दो बार ही ऐसा आया कि आप रिकवर करो बॉडी प्लॉट, किसी भी कन्वेंशनल पेपर में भी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है उसमें भी बॉडी प्लॉट कभी भी जीटा बेस सिस्टम के लिए नहीं पूछा, सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, IES की बात नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, सिविल सर्विसेज का जो इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्टिव पेपर होता है उसमें जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें भी कभी भी जीटा बेस सिस्टम के लिए बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने को नहीं बोला, करना है तो भी कर लेंगे अपन, ये बताया मैं। अपना क्वेश्चन चेंज क्यों गया, क्योंकि मैं जल्दबाजी में वो जो 0 था उसको भी पोल ले लिया, तो अपना क्वेश्चन और अच्छा हो गया, 0 रहता तो फिर -40 से पहले -20 होता, फिर लास्ट में -60 होता, अभी हमारा कितना लास्ट में -80 डीबी पार्टिकल, ये 5 वाले पॉइंट्स को मिला दिए, यहां पे जीटा लिखना जरूरी क्योंकि जीटा बेस सिस्टम है। जीटा की वैल्यू कितना है सर? 0.4 है सर जीटा की वैल्यू, ये सर, ये तो सर बड़ा टफ होता होगा सर बॉडी प्लॉट बनना। हाँ वो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको स्लोप लिखना पड़ता है, आपकी यूनिवर्सिटी में यही करना पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कई बार ना सब लोग ना अपने मन से स्केल से लाइन बना देते बिना कैलकुलेशन के,
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात की यूनिवर्सिटी में लोगों को क्यों डर लगता है, क्योंकि उनको ये सब कैलकुलेट नहीं करना आता, ये सब उनको आता ही नहीं, टीचर को भी अच्छे से नहीं आता है। कई लोग तो उसी स्केल से लाइन बना देते हैं, पैरेलल लाइन बना देते हैं, सच बता रहा हूं। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब फिगर पहले कैसे बन जाएगा, कई लोग तो फिगर बना देते बिना कैलकुलेशन के। अब सोचो यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फिगर बना दिए बिना कैलकुलेशन के, इसका मतलब ऊपर से भगवान देख रहा होगा, भाई अपने मन से अपने नंबर ले ले रहा है भाई, सोच रहे हो। ये जो नंबर आता है इस लाइन को मिलाना पड़ता है, लोग अपने मन से ही लाइन को मिला दिए, किस मैग्नीट्यूड पे जो मन किया वो मैग्नीट्यूड भैया। तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, एक एक कैलकुलेशन के बाद आप आगे बढ़ते जाते हो, लाइन को मिलाते जाते हो। ये -20 का स्लोप है, -20 इस जगह पे और ऐड हुआ तो -40 हुआ, इस जगह पे -40 और ऐड हुआ तो -80 dB पर डिकेड हो गए। ये तो जो कैलकुलेशन आपके पास, तो जो 5 था आपके पास, ये 4 था, 4 से लेके आपके पास ये 5 आपके पास, ये 4 था, 4 पे कितना था आपके पास -40, ये -40 था आपके पास, उसके बाद था -20 -40, फिर ये कितना था आपके पास, एक पोल था आपके पास, फिर मैं -40 पे किया था तो YB की वैल्यू निकली थी मेरी 26 पॉइंट, फिर फाइव पे स्लो चेंज होगा, इतना सारा फटाफट 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 कर दिया। तो ए से बी गए थे हम लोग तो -40 पर डिकेट था, कैलकुलेट कर लिए थे हम लोग, वो पॉइंट निकल गया था, 4 पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था, कुछ जगह पे चेंज करता हूं यार। यहां तक अपना कितना बना था, यहां तक तो अपन कर लिए थे, यहां तक कर लिए थे, वो बना देता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन ही बना देता हूँ, नहीं तो -100 dB पर डिकेट हो जाएगा यार, 4 जो है वो भी -60 होगा, उसके बाद -40 होगा तो -100 होगा, इतना सारा कुछ कुछ हो गया। नहीं ठीक, इसका तो मैं और कुछ कुछ सोच रहा था और इस चक्कर में हो गया। ये लो ठीक है, चेंज हो गया, वो बताना चाहता था, बस जीटा बेस ही बताना चाहता था कि जीटा लिखना पड़ेगा कर। क्या था भैया अपना, ये ठीक है, जीटा ही लिखना पड़ेगा, बस वही बताना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो जीटा बेस सिस्टम होता है, ठीक है बना देता हूँ। किधर है पेन, कितना था पहला फिगर, 30.10 था सर, ये कितना था 22.14, ये कितने का स्लोप था -20 ड्यू टू 1 पोल, ठीक पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.25, 0.25 से जब नीचे आए थे तो कितना आया था आपके पास, 0.25 से 4 पे जब आए थे तो -40 dB था और आपको -26.02 था, ठीक -26.02 dB। ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गया हम, इस जगह पे कितना था सर 4, ये 0.25, 4 पे क्या था 0 था, 4 पे जब मैं 0 ऐड किया ये तो -40 dB पर डिकेट था, 4 पे आपके पास फिर से -20 dB पर डिकेट होगा ऐसा, ये 4 पे आपके पास ऐड हुआ, अगला नंबर 5 पे आएगा, ये इसका स्लोप कितना -20 dB पर डिकेट, क्यों ये पोल है, यस ये 0, यस तो +20 ऐड किए, 5 सेकेंड ऑर्डर पोल है, सेकेंड ऑर्डर पोल, ये सब फर्स्ट ऑर्डर है, ओके जब इसको सॉल्व किए थे तब कितना आया था, ये मान लेते कि ए पॉइंट है, ये मान लेते बी पॉइंट है, मान लेते सी और ए डी, स्लोप सी डी वाई डी माइनस वाई सी लॉग
ओमेगा डी बाई ओमेगा सी। ओके स्लोप कितना था सर? माइनस 20, क्यों? जीरो के कारण माइनस 40 से माइनस 20 आ गई। वाई डी की वैल्यू नहीं पता, वाई सी की वैल्यू जहां से आ रहे थे वो पता था, तो 26.02 होगी। लॉग ओमेगा डी की वैल्यू कितना हो गया 5, ओमेगा सी की वैल्यू 4 हो गया। चलो यहां से वाई डी की वैल्यू निकाल लेते यार, है ना, आपको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ गया, उसके लिए सॉरी। चलो अभी सही वाला जो ओरिजिनल था वही बना देता हूँ। तो गेट में तो कोई नहीं पूछता आपके पास कि कोई बॉडी प्लॉट कौन बनाना पड़ता, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि इतना गुड आइडिया होना चाहिए। चलो वाई डी की वैल्यू बता दो, मेरे को माफ कर दिया जाए इसके लिए कि आपकी कॉपी में थोड़ा सा हो गया, कुछ करो मत उसको। अब आपको पता है कि क्या क्या इसमें गड़बड़ हो गया। लास्ट वाला स्लोप माइनस 100 डिग्री पर डिकेड जाता, बीच में माइनस 60 भी आएगा। अब उसको कितना ही चेंज करोगे, मतलब वो फिर कट करोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मान लो कुछ कुछ हुआ था करके, ठीक है, बस आप ही को पता है। हाँ ठीक है, आप ही को पता है वाई डी कितना है भैया? माइनस 27.95, ठीक है, माइनस 27.95, ठीक है। आप इसमें मिस्टेक भी लिख सकते हो, ऐसा फिगर बना दो, मिस्टेक लिखो, उसे क्या पता चलेगा, उसे लगेगा कि आपको दिया था मैं होमवर्क और आप गलत बनाए, फिर बाद में मैं सही बनाया। मान लो यार, अब इतना कंसिडर कर लो मेरे लिए, माइनस 27.95। अब देखना ध्यान से, ये बहुत पास में रहेगा क्योंकि 4 से 5 है। कितना भैया सर? माइनस 27.95 डिग्री। ओके अब कितना हुआ? माइनस 40 का था। अब जो डी है वो आपके पास ये है, और उसके बाद फिर से ये माइनस 40 डी, माइनस 20 था, अभी कितना चला गया माइनस 60 डीबी पर डिकेट। ये यहाँ पे जीटा की वैल्यू कितना है सर? जीटा की वैल्यू 0.4, ये इस जगह पर। अभी डी से ई अगर मैं कोई पॉइंट बना लूं तो बना भी सकता हूं, स्लोप डी ई एक कोई पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट बनाने के लिए लिखने के लिए कि स्लोप कैसे बनाते हैं, वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। स्लोप डी ई क्या होगा सर? वाई ई माइनस वाई डी, अच्छा, लॉग ओमेगा ई अपॉन ओमेगा डी। कितना स्लोप सर? माइनस 60 सर, क्यों? माइनस 20 आ रहा था, माइनस 40 और ऐड किए। वाई ई नहीं पता सर कहां जाना है, कहां से आ रहे भैया? सर माइनस 27.59 से, तो प्लस हो गया। ओमेगा की किस वैल्यू पे आप जा रहे हो? ओमेगा ई कितना? जितना भी लेना है सर, 5 है तो सर 50 ले लेता हूं, अच्छा लगेगा। क्यों 50 लियो सर? ये 50 और वाई डी 5 है तो लॉग 5 लॉग 10 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो बताओ 50 पे कितना आएगा? तो 50 पे सर ये तो आ गया माइनस 60 है, 27.95 आ गया, तो 60 70 80, माइनस 87.95 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास जो है वो 50 है, ये 50 है। क्या नंबर? अपने मन से आपके पास नंबर जो भी है, वो तो स्लोप बनाना है, इस पॉइंट को मिला दिया, ये आगे का कितना सर? माइनस 60 70 80 90, माइनस 87, माइनस 87.95 डिग्री। ये पॉइंट्स, ये अपने मन से 50 सर, 50 कहां से आ गया सर? अरे 5 तो लास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था, स्लोप बनाना है, 50 ले लिया, अच्छा लग गया, ये आ गया, ये बन गया फिगर। तो आप कैसे, अगर मैं बोलूं कि हाई फ्रीक्वेंसी स्लोप कितना है, तो हाई फ्रीक्वेंसी स्लोप अगर कोई पूछ रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी जो रीजन है उसका स्लोप माइनस 60 पर डिकेड, लो फ्रीक्वेंसी तो माइनस 20 पर डिकेड। यहाँ पे जीटा लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जीटा की जीटा 0.4 है, जीटा बेस्ड सिस्टम, इससे पता चलता है कि 5 इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और जीटा बेस्ड सिस्टम। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन बना हुआ है तो आपको पता है कि इससे भी आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने को आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में है और आपको बोल रहा है ट्रांसफर फंक्शन निकालो, निकाल लेंगे भैया, निकाल लेंगे। देखो ये देखो ध्यान से, ये क्या बताया मैं आपको कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप जस्ट समझे, उसको देखने का जो नजरिया था वो समझे आप। हाँ इतना आपके पास आ गया? हाँ मतलब वो अभी मैं करवा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, डोंट, मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, ये बड़ा अच्छा फिगर था आपके पास। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको बस मैं ये बता सकूं कि आपके यूनिवर्सिटी या कन्वेंशनल पेपर में बॉडी प्लॉट बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में बॉडी प्लॉट अगर एक आधी बार आया भी बनाने के लिए, बड़ा सिंपल वाला आता है, क्योंकि बनाना है मतलब बड़ा सिंपल बात करेंगे, 2% बात है कि बनाना है, 98% तो रिकवर करना है, रिकवर करना है ऑलवेज इजी। ओके चलो,
अब क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम बना सकते हैं, तो मैं बोला कि सबसे पहले होता है कि के कितना है और पोल्स या जीरो ओरिजिन पे कितने, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की स्टोरी होती है, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और अगला नंबर पे नंबर चाहिए रहता है, तभी आप स्लोप बना पाते हो। तो ये जो स्लोप का कैलकुलेशन है उसके लिए नंबर चाहिए रहता है, नंबर को मिलाते फिर ऐसा बनते जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे एक्चुअली क्रिएट होता है बोडे प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम गया, लेकिन मैं सोचा कि बता देते हैं भाई, नहीं बता देते, बता देते हैं, बता दिया। ठीक है, टाइम भी लग गया था सारा इसमें, आप लिखना ये आपकी मिस्टेक थी ना, इस मिस्टेक ये मान लेते कि इसमें मिस्टेक कर दी, क्योंकि -100 आ रहा था लास्ट में और अपन वही पे दो बार चेंज किया तो इधर उधर हो गया, तो सिंपल था लेकिन दो बार चेंज किया तो हो गया, तो मान लेते इट्स योर मिस्टेक, इतना मेरे लिए, किसी को लगना चाहिए कि मैंने किया था, ये आप किए थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं मैं जो बताना चाहता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बताना चाहता था वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। नहीं एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, उसके बाद भेजना उसको। हाँ ये पूरा हटाना चाहिए, यहां से आ जाओ बेटा, पूरा हटा दे, उसके बाद जाना। ठीक है, चलो क्लियर तो हुआ ना आप लोगों को, जो मैं बताना चाहता था वो फाइनली क्लियर होना चाहिए। तो डेटाबेस सिस्टम के बारे में भी अपन बात कर लिए, डेटाबेस सिस्टम के बारे में भी हम बात कर लिए। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके दिव्यांश, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग, वर्कबुक ये, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ध्यान से अपन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया इसको रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बॉडी प्लॉट में बहुत सारी चीजें आपको करवा दिया ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का लास्ट क्लास का पार्ट है, तो मुझे लगा कि ठीक है करवा देते जितना और हो सकता है, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पास स्लोप बनाने का भी कॉन्फिडेंस है, आप ये भी बता रहे कि एक लाइन कैसे बनती है, तो ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा जितना बात करना था तो कर लिया, इट्स ओके चलता है। अब अगर मैं बोलूं कि एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, जी लिखा है तो जी लिख देते, जी ऑफ एस कितना लिखा है ट्रांसफर फंक्शन सर, के अपॉन 1+s/a, ये के अपॉन 1+s/a इज गिवन इन बिलो फिगर, यस सर। The error in phase angle and dB gain at a frequency omega equal to 0.5a, मतलब मेरे को error की value चाहिए, okay sir, omega equal to 0.5a पे, एक तो error चाहिए dB में, yes, options था उसमें, एक तो error चाहिए इसी number पे, omega equal to 0.5a पे, degree पे,
वी नो दैट एरर इक्वल टू क्या होता है, अगर एरर डीवी निकाल रहा हूं तो सर एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट डीवी माइनस अप्रोक्सीमेट डीवी, अप्रोक्सीमेट डीवी में प्लॉट किस जगह पे, सर ओमेगा की वैल्यू 0.5 ए पे, तो पुट कर दो भी ओमेगा इक्वल टू 0.5 ए दोनों में, ठीक है ये ठीक है। फिगर क्या दिया था सर, ये दिया था 20 लॉग के दिस वन, ये वैल्यू कितना है ए माइनस 20 पर डिग्री, सही है ये 20 लॉग के, ओके ये जी ऑफ जी ओमेगा डीवी इज द डीवी, ओके इसी पहले फोकस कर, सो माइनस 20 पर डिग्री। सर हमारे पास क्या है जी ऑफ एस, सर ये है भैया जी ऑफ एस के अपॉन 1 प्लस एस बाई ए, सर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जी ऑफ जी ओमेगा ये के अपॉन 1 प्लस जी ओमेगा बाई ए, ये मैग्नीट्यूड कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन नहीं एग्जैक्ट के अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये एग्जैक्ट है, ये तो एग्जैक्ट है ना नॉर्मल मैग्नीट्यूड एंगल सब एग्जैक्ट एग्जैक्ट है सब, एंगल भी मैग्नीट्यूड भी कितना सर माइनस 10 वर्स ओमेगा अपॉन ए, यस यस एग्जैक्ट एग्जैक्ट अभी देखते हैं ना। तो सर मैं एग्जैक्ट निकालना चाहता हूं सर ओमेगा, हाँ ये तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, इसका बड़े प्लॉट से क्या लेना, किसी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की वैल्यू बोला गया है कि ओमेगा इक्वल टू किसी एक पे निकालो तो निकाल लेंगे, इसका बड़े प्लॉट से क्या, एग्जैक्ट का बड़े प्लॉट से क्या लेना देना है, बड़े प्लॉट एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है जो अप्रोक्सीमेशन के बाद हम बनाते हैं लोअर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये तो परफेक्ट है। तो सर ओमेगा इक्वल टू 0.5 पे, हाँ ये जिस भी ओमेगा की वैल्यू पे पुट करना है निकाल लो, सर ओमेगा की वैल्यू 0.5 ए पे ना, हाँ 0.5 ए पे पूछा गया, ठीक है सर तो ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट चल रहा भैया, कितना होगा सर के अपॉन सर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू 0.5 ए डिवाइड बाय ए कैंसिल आउट, ये कितना हो गया भैया 1 बाय 2 का स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है, फिर मेरे को डीबी में चाहिए, ये किसमें चाहिए डीबी भी चाहिए, कर लेंगे डीबी भी कर लेंगे, एग्जैक्ट तो था ही डीबी भी बात कर लेंगे डीबी, चलो पहले बताओ तो कितना आ रहा है के फॉर्म में, ठीक है बनना नहीं बनना डिफरेंट चीज है, कोई बोले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की वैल्यू इस जगह पर निकालो तो निकाल देंगे यार, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की वैल्यू इस जगह पर निकाल देंगे, चलो बताओ एक साथ दोनों गायब, अच्छा वो गया होगा 0.5 पे वैल्यू बताएंगे आप, तो फिर मैं लिख लूंगा के अपॉन में बताओ के फॉर्म में बताओ पॉइंट के फॉर्म में बताओ पॉइंट के फॉर्म 0.894 के सर 0.894 के, ये लिखो 0.894 के, चेक कर लो भैया 0.894 के सर, सेट भी बोल दिया है मुकुल भी 0.894 के, ओके 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 ठीक ये आ गया सर डीबी में 20 लॉग 0.894 मल्टीप्लाई करने से लॉग में ऐड हो जाता है 20 लॉग के, तो 20 लॉग 0.894 20 लॉग के ऐसे होता है ना लॉग करने में, तो हाँ सर ये कितना आ रहा है 20 लॉग 0.894 20 लॉग के तो 20 लॉग के आएगा, ये कितना आ रहा है 20 लॉग 0.894 कितना आ रहा है, एग्जैक्ट बात करते हैं ना डीबी में भी कितना आ रहा है करते बताओ, माइनस में आ रहा होगा वन से कम नंबर है तो माइनस में आ रहा होगा, बताओ कितना माइनस आ रहा है 20 लॉग 0.894 कितने में आ रहा है, कितना माइनस आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में 20 लॉग 0.894 सर माइनस 0.973 आ रहा है, ओके चेक करो माइनस 0.973 969 लिख रहा है कोई माइनस 0.7932 ऐसा कोई तो माइनस 1.4 लिख दिया भाई माइनस 0.9732 बोल रहा है, चेक करो प्लस 20 लॉग के सर 20 लॉग के, पहले तो ये समझे यार कि मैथ्स जब डीवी में आप सॉल्व करते हो अगर एक्स वाई एक नंबर है तो 20 लॉग एक्स वाई कितना होगा बेटा सर 20 लॉग एक्स वाई 20 लॉग एक्स प्लस 20 लॉग वाई होता है, हाँ 20 लॉग एक्स वाई इतना आ रहा है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू, चेक कर लो आप चेक कर लो,
आ गया इतना। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मेरे पास ना मैग्नीट्यूड का एग्जैक्ट वैल्यू है डीबी में, 20 लाख तो करना होता है डीबी के लिए। कर दिया सर, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखो उसके इक्वेशन नंबर वन। हाँ सर, 1 2 तो लिख ही चुके थे सर, 3 लिख देते सर। ठीक है, 3 लिख दिए। देखो जरा ध्यान से सर, अप्रोक्सीमेट कितना है ये एसिम्प्टोटिक बॉडी, अप्रोक्सीमेट प्लॉट तो यही होता है ना यार। अरे यही तो एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट, एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट यही तो है सर। हाँ यही तो है, एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट, इसी को तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट बोलते हैं सर। 0.5 कहां आएगा, एक के पहले, और कहां आएगा, एक के पहले। हाँ सर 0.5 है, कितनी वैल्यू उस पर सर, 20 लॉग के। तो अगर मैं बोलूं कि यार ये जो एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट है, जी ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू 0.5 ए पे कितना आएगा, ये क्या है सर, अरे अप्रोक्सीमेट है ना, इसी को तो एसिम्प्टोटिक प्लॉट बोलते हैं। ये तो बॉडी प्लॉट होता है, एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, इज द एलएफआर, इज द एचएफआर, ये कहां से बनाते हैं अप्रोक्सीमेशन के बाद। ए से पहले आएगा ना 0.5, इस पे कितना है सर, तो 20 लॉग के है सर। ओके 20 लॉग के है भैया, तो सर डिफरेंस कितना हो गया। देखो एरर की वैल्यू डीबी में चाहिए, तो क्या नंबर था आपके पास डीबी में, एग्जैक्ट का डीबी कितना था सर, -0.9732 और सर 20 लॉग के। ठीक है, माइनस अप्रोक्सीमेट बोलो एसिम्प्टोटिक का सर, 20 लॉग के सर, तो कैंसिल आउट हो गया। हाँ कितना आंसर आ गया सर, -0.97 डीबी के आसपास आ गया, -0.97 डीबी आ गया, आ गया ना। हाँ सर इतना आपके पास आ रहा हूं सर। हम सर ऑप्शन में जब देख रहे सर, तो सर कोई माइनस ही नहीं दिया, तो उनकी मिस्टेक थी कि जब वो एरर पूछ रहे थे तो उनकी मिस्टेक थी कि माइनस नहीं लिए थे, मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। एग्जाम में भी आपके पास जब क्वेश्चन फ्रेम था तो माइनस उनकी मिस्टेक है, नहीं लिखे, भूल गए, मतलब गलती हो गई। तो माइनस 0.97 डीबी आपके पास एरर की वैल्यू, ऐसी मिस्टेक होती रहती है सालों में देखोगे तो, पूरे अगर 25 साल में देखोगे तो आपको 50 मिस्टेक तो आराम से मिल जाएगा जो आईआईटी के प्रोफेसर की है, इट्स ओके। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -0.97 डीबी। कभी कभी लोग डेविएशन मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, मॉड ले लेते हैं, इज नॉट गुड कि किसी भी चीज का मॉड ले लिया जाए, ये गुड बात नहीं है। अभी मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मतलब आराम से पहले ये देखो कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, हम क्या किए, अप्रोक्सीमेट का मतलब समझते हो ना, और एग्जैक्ट का तो बॉडी प्लॉट से कोई लेना देना नहीं, एग्जैक्ट तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालॉग सर्किट में भी निकालते हो आप, तो एग्जैक्ट तो किसी भी जगह पे पुट कर सकते हो, पहले आराम से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बाद में, फिर अपन बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले नोट कर लो, क्लियर नोटेड बोलना, एकदम सोच के बोलना, क्लियर नोटेड आ रहा, अच्छे से देख लो। और क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है।
हाँ क्लियर नोटेड, आराम से हम देखे कि पहले का मतलब समझा रहे एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली को एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट बोला जाता है, और एरर की अगर आपको बात करना तो इतनी बात हो सकती है। ठीक है, अब मैं एंगल की बात करना बचा है, एंगल की बात नहीं किया हूं। ठीक है सर, एंगल की बात भी करेंगे। हाँ एंगल की बात क्यों नहीं करेंगे, एग्जैक्ट तो हमको पता ही है, ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा तो एग्जैक्ट का एंगल तो तुरंत आ जाएगा, एग्जैक्ट एंगल तो तुरंत आ जाएगा। तो चलो आप लोग बोले क्लियर है नोटेड, क्लियर है नोटेड। बहुत सारे लोग आप रिप्लाई तब करते हो जब गलत आंसर बोलते हो, बहुत सारे लोग वैसे इतनी अच्छी अच्छी बातों में ज्यादा रिप्लाई, ज्यादा रिप्लाई में तो कुछ लोग ही रिप्लाई में रहते, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, कुछ लोग अपना रिप्लाई करते कुछ लोग नहीं करते रहते। जब मैं बोलता हूँ कि चलो सब लोग करो, जब गलत करवाना रहता तब लोग फटाफट लिखते जाते हैं, बहुत सारा गलत नहीं। चलो एग्जैक्ट का कितना होगा सर, ये लो एंगल ओमेगा इक्वल टू 0.5 ए में सर कितना होगा, माइनस 10 इनवर्स 0.5 ए डिवाइड बाई ए, कैंसिल आउट हो गया भैया, ये तो 10 वर्स 1 बाई टू हो गया सर, माइनस 26.56, 10 वर्स 1 बाई टू ना, यस सर माइनस बाहर है, माइनस 26.56 क्या है शेयर करता हूं एग्जैक्ट एंगल, एग्जैक्ट एंगल डिग्री में, ओके 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 एग्जैक्ट एंगल माइनस 26.56 ये चेक कर लो, एंगल तो बड़ा आसान था एग्जैक्ट, तो माइनस 26.56 आ गया भैया, माइनस 26.56 आ गया। ठीक अब सर एक फिगर देखिएगा सर ध्यान से, उतना अगर आप नोट कर लियो तो कैमरा मेरे पास आ सकता है, अगर उतना नोट कर लियो तो एंगल जो एग्जैक्ट था आपके पास एंगल, एक आपके पास फिगर बना हुआ है, पता है आपके पास कैसे बना हुआ है, ये 0.1 ए फिर 10 ए ऐसा बना हुआ, 0.1 ए ये 10 ए ओके, और माइनस 45 डिग्री पर टिकट ना, ये स्लोप माइनस 45 डिग्री पर डिकेट, मतलब स्लोप भी बना हुआ किसमें एंगल में डिग्री फाइव डिग्री, ये जीरो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सर, ओमेगा रेडियन पर सेकंड। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि क्या है, ये क्या है, अगर मैं बोलूं ये एसिम्प्टोटिक हाँ बोडे फेस प्लॉट, एसिम्प्टोटिक बोडे फेस प्लॉट, आपको लग रहा है कि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, आपको लग रहा है कि इसमें सर चेंज हो रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, नॉट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.1 ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, नो 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 सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है, नहीं नहीं एसिम्प्टोटिक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है, अरे एंगल है ये, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज नॉट, क्या नॉट 10 है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ना 10 है ना 0.1 है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी हमको पता है यार ए है सर, 0.1 और 10 में तो स्लोप चेंज हो रहा है ना, आप कैसा हाँ ये एसिम्प्टोटिक बॉडी ऑफ फेस प्लॉट, ये तो आपको पता ही नहीं यार, इस नाम की चीज तो आप सुने ही नहीं, एसिम्प्टोटिक बॉडी ऑफ फेस प्लॉट नाम की चीज तो सुना ही नहीं हो आप। हाँ चलो बात ये करते हैं, किसी को नहीं पता, पहले ये बात करते किसी को नहीं पता, एक एसिम्प्टोटिक बॉडी ऑफ फेस प्लॉट बना हुआ है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.1 और 10 है तो नहीं है, क्यों तो हमको आंसर पता है इसलिए हम बता रहे कि नहीं है, ए है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सर ये तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता नहीं, नहीं एक्चुअली एसिम्प्टोटिक बॉडी फेस प्लॉट है, तो स्लोप के फॉर्म में वो भी फेस का प्लॉट, 0.1 है और 10 है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, नहीं लिख दिया मैं सर, तो हमको नहीं पता, मैं कब बोला पता है एसिम्प्टोटिक बॉडी फेस प्लॉट कहां पता, ठीक है तो ये स्लोप कितना है सर, माइनस 45 डिग्री पर डिकेड है, तो 0.5 ए यहां का आएगा, हाँ 0.5 ए यहां का आएगा, ओके मान लेते हैं, और पास भी आ सकता है ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, मतलब 0.5 पे ना एंगल कितना डिग्री चाहिए वो चाहिए, तो स्लोप ए भी लिखना, ध्यान देखना रहता, ध्यान देखना पहले स्लोप ए भी कितना है ये सर, माइनस 45 डिग्री पर डिकेड, देखो ना माइनस 45 डिग्री पर डिकेड स्लोप है, वाई भी डिग्री में, वाई ए डिग्री में, ये डिग्री है और डिकेड मतलब लॉग ओमेगा बी बाई ओमेगा है, वाई भी और वाई डी भी नहीं है, डिग्री है डिग्री, वाई भी डिग्री कितना नहीं पता सर, वही तो पता करना है, ओके
वाई डिग्री कितना है? जीरो डिग्री। कैसे? ये जीरो था। लॉग लॉग 0.5 a ओमेगा बी की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू 0.1 a, लॉग 5 हो गया। लॉग 5 को मल्टीप्लाई कर दो यार माइनस 45 से, देखो जरा वाई बी की वैल्यू डिग्री में कितना आ रहा है, वाई बी की वैल्यू डिग्री में कितना आ रहा है, चेक करो। माइनस 45 में मल्टीप्लाई करना वाई बी की वैल्यू डिग्री में कितना आ रहा है सर, माइनस 31.45 डिग्री सर, माइनस 31.45, ये आया आपके पास, पता है एग्जैक्ट कितना था, एग्जैक्ट एंगल एग्जैक्ट कितना है सर, वो तो माइनस 26.56 है। अप्रोक्सीमेट कितना है, एसिम्प्टोटिक बोर्डे फेस प्लॉट इज द अप्रोक्सीमेट फेस प्लॉट, माइनस 31.45 सर, पता है सर, ये देखो डिफरेंस देखो, एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट कितना आपके पास, अगर डिग्री की बात करूं तो एग्जैक्ट डिग्री है सर माइनस 26.56, ओके माइनस 26.56 माइनस, ये कितना है माइनस 31.45 सर, बीच में माइनस तो था ना, हाँ तो प्लस हो गया भैया, अरे प्लस हो गया, हाँ कितना आ रहा है ये बताओ, कितना आ रहा है, प्लस हो गया तो अब कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बताओ कितना आ रहा है, 4.9 आ रहा है सर, 4.89 या 4.9, 4.89 या 4.9 चलेगा, 4.89 डिग्री आ रहा है, 4.89 डिग्री आ रहा है, या 4.9 भी बोल सकते, इट्स ओके, देयर इज नो इशू, ऑप्शन में 4.9 था, हाँ इस बार आंसर सही था, मतलब इस बार माइनस प्लस का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब जो एरर है डिग्री में उसमें प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो डीबी में एरर आपके पास था उसमें माइनस का प्रॉब्लम था। हाँ तो 4.9 लिख लिया, ठीक है, इट्स ओके, 4.9 4.89 9 से थोड़ा ज्यादा, इट्स ओके 4.9 के आसपास, इतना आपके पास। क्वेश्चन इज दैट कि सर निकाल तो लिए सर, एक ही क्वेश्चन आया आज तक ऐसा, ऐसा क्वेश्चन एक आया कि एरर आपके पास एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट दिया हो, ऐसा आपके आज तक एक ही बार आया सर, निकालने को तो निकाल लिया सर, क्योंकि 0.5 पे बोला था तो हम गए, स्लोप हमको पता था, हमको सॉल्व करना आता है सर, सॉल्व कर लिए, लेकिन सर ये एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट हम तो इसी को कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मानते हैं, नहीं नहीं वो एसिम्प्टोटिक बोर्ड प्लॉट होता है, मैग्नीट्यूड प्लॉट है, फेस प्लॉट, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ए, फिर सर ये कैसा है, ये डिफरेंट चीज, तो एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट अपनी कॉपी में आपको नोट करना रहेगा यूट्यूब से, किसका वीडियो सर, मेरा ही वीडियो, एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट सिर्फ यूट्यूब में मेरा ही होगा, आई थिंक मेरा ही होगा, आप सर्च करोगे तो मैं भी टॉपिक वाला पढ़ा के एक बार बहुत बेहतरीन टाइप से पढ़ा दिया, एग्जांपल भी ले लिया हूं सब, तो एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है जो नॉर्मली बुक में नहीं है, एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट इन जनरल भी कोई नहीं पढ़ाता, पहला चीज एक्चुअली आता नहीं, 99.9% कवरेज एसिम्प्टोटिक बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट का है जिसको दुनिया पढ़ाती है, बुक भी उसी के लिए लोग लिखते हैं, आईआईटी के बीटेक में भी एक आधी ही आईटी का प्रोफेसर कभी इसको यूज करता है, आईटी के बीटेक में भी मैं पता करता हूं तो नहीं पढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है, एक दो बार चीजें हुई है जिसमें से एक चीज है और एक दो बार और है, तो एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट इज समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट, बहुत ही आराम से पढ़ा, मैं पढ़ाता हूं तो आराम से पढ़ाता हूं विद एग्जाम्पल, तो आपको दिखेगा कि एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट जो है वो समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, वैसा नहीं है जैसे एसिम्प्टोटिक बोर्ड मैग्नेटिक प्लॉट होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही मस्त लेकिन अलग है, और अगर मैं बोलूं कि ये क्या ये टॉपिक क्या से टफ होता है, हाँ ये टॉपिक जो होता है एसिम्प्टोटिक बोर्ड प्लॉट के कंपेयर में, बोर्ड मैग्नेटिक प्लॉट के कंपेयर में बहुत ही अलग है, इसलिए डिफरेंट दिखता है, मैं एक बार यूट्यूब में पढ़ा दिया कि चलो ठीक है इस वाले टॉपिक को पूरे लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या करना रहेगा आपको, तो आप अगर सर्च करोगे तो अब अगर आपके पास अगर आपको अगर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा एसिम्प्टोटिक बोर्ड फेस प्लॉट लिखना पड़ेगा आपको यही, तो मैं चाहूंगा कि आप आजकल में जैसे ही टाइम मिलता है आजकल में मैक्सिमम कल तक
आप एसिम्प्टोटिक बॉडी फेस प्लॉट अपना आराम से देखोगे यूट्यूब से और पूरा नोट कर लोगे अपने कॉपी में। तो सर आप तो बोले नहीं आता, मैं ये नहीं बोला नहीं आता है, कम आता है, और जो कम आता है वो कभी भी आ सकता है, जो कम आता है वो कभी भी आ सकता है। और ऐसा तो है ही नहीं कि आपको किसी बुक से पढ़ने को बोल रहा हूं, मेरा ही वीडियो है, सिर्फ देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा। विद एग्जाम्पल विद गेट के क्वेश्चन जो आया वो भी लिया हूं, ठीक है। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक बॉडी फेस प्लॉट, यस। बाकी एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नेटिक प्लॉट के बारे में तो हमको आइडिया है। हाँ, इस क्वेश्चन में ये नहीं भी पता होता तो भी निकल जाता, क्योंकि हमको स्लोप वगैरह दिया था तो ठीक ही निकल जाता, कुछ डिफरेंट चीजें किसके बिना निकल जाता। बट एसिम्प्टोटिक बॉडी फेस प्लॉट इज समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट जो इन जनरल पता होना चाहिए। अच्छा खासा मेरे को एफर्ट करके कंटेंट रेडी करना था, क्योंकि उसका कंटेंट कहीं पे अवेलेबल नहीं है और इन जनरल कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। ओके चलो हटा देते हैं, अपने कर दो इसको रिमूव करो। आ जाए बेटा, हाँ उसको अभी रिमूव कर दे, अभी अभी रिमूव कर दो, बताता हूँ, उसको रिमूव कर दो, अभी क्रिएट तो की जा सकती है ना, उसको रिमूव कर दो, अभी डिपेंड करेगा, अभी मेरा मूड पे डिपेंड करेगा, अभी रिमूव कर दो उसको। हाँ 51 मिनट का वीडियो को लिखा है, 51 मिनट का वीडियो, ठीक है। अच्छा एक और टीचर को डील किया यूट्यूब में, हाँ किए होंगे, बट सबसे पहले मेरा ही होगा, आप ध्यान देना, अगर कोई किया भी होगा तो रिसेंट एक दो ईयर में कोई किया होगा, मेरे अंदाज में तीन साल पहले किया होगा या चार साल पहले किया होगा, ठीक है। तो उसको आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस समय कोई नहीं करता था, बट ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ 2017 का शायद, एक बार आपके पास लिख रहा हूं, एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जीटा बेस सिस्टम, ये एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जीटा बेस सिस्टम, ऐसे लिखा मैं, टॉपिक डाला एक छोटा सा टॉपिक, 5-10 मिनट का, 10 मिनट का, जीटा बेस सिस्टम, चलो ठीक है ठीक है। तो आज रात में आप कंप्लीट कर लेंगे और इतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि मैं डील किया तो प्रॉब्लम जाने का सवाल पैदा नहीं होता है, आपकी कॉपी में आ जाएगा वो, तो आप ये ना सोचना कि कभी बाद में देख लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, फिर वो कभी नहीं देख पाओगे, अब नोट नहीं किया तो कॉपी में नोट नहीं किया तो फिर उसको कभी नहीं देख पाओगे। मल्टीपल लॉग इन डिटेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं एरर रेट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जीटा बेस सिस्टम की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम जीटा बेस सिस्टम है, तो ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन सर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये हमको भी पता है कि जी ओमेगा इक्वल टू, वो जो हम जानते हैं वो लिख रहा हूं फिर से, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2j जीटा ओमेगा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो टी ऑफ जी ओमेगा क्या होगा सर, 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर होगा, ये तो हमको पता है सर, हाँ बट फिर भी लिख रहा हूं 2j जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। सर एक टर्म बताए थे आप म्यू,
इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन द नॉर्मलाइज एन सी डॉट एफ, नॉर्मलाइज सी नॉर्मलाइज कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। यस सर, तो टी ऑफ जे म्यू कितना हुआ, टी ऑफ जे म्यू कितना हुआ सर, वन अपॉन वन माइनस म्यू स्क्वेयर प्लस टू जे जीटा म्यू। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस म्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस फोर जीटा स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर। अब आपको लिखा है कि एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू इक्वल टू वन, याद है। तो मैं अगर म्यू इक्वल टू वन पे बोल रहा हूं, म्यू इक्वल टू वन पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो ध्यान से, म्यू इक्वल टू वन पे कितना होगा, वन अपॉन अंडर रूट ये जीरो हो गया प्लस फोर जीटा स्क्वायर हो गया, वन बाय टू जीटा आ गया ये। तो टी ऑफ जे म्यू इक्वल टू वन पे सर कितना होगा डीबी में, ट्वेंटी लॉग वन जीरो सर माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा होगा, ये इक्वेशन नंबर वन, माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा होगा। नॉर्मलाइज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख दिया, यस 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 ये ठीक है। चेक करो, माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा लिख दिया, इक्वेशन नंबर वन। सर अगर मैं बोलूं कि सेकेंड ऑर्डर जीटा बेस्ड सिस्टम, अगर मैं एसिम्प्टोटिक की बात करूं तो आपको याद है एसिम्प्टोटिक, सर आपकी कॉपी में ना, एसिम्प्टोटिक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, वो भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, क्या था आपके पास ये क्या था सर, तो हम बनाए थे सर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, म्यू के बेस पे बात कर रहा हूं सर, ये सर जीरो डीबी क्योंकि के की वैल्यू वन लेके रखा हूं मैं, और ये सर ये म्यू इक्वल टू वन के लिए बनाए थे हम, और फिर म्यू इक्वल टू टेन के लिए बनाए थे, तभी तो हमको पता है कि सर ये जीरो डीबी और ये कितना आया था माइनस फोर्टी डीबी, तो स्लोप कितने का था माइनस फोर्टी डीबी पर डिकेट, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ना ये, माइनस फोर्टी डीबी पर डिकेट तुरंत बना दिया मैं तो। क्यों आपसे ज्यादा पूछा क्यों नहीं, क्योंकि सर आपकी कॉपी में है यार, ये एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट है, बताइए ये माइनस फोर्टी डीबी पर डिकेट कितना है, जीरो डीबी पर डिकेट, यही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है म्यू सी, यही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है म्यू इक्वल टू वन। तो अगर मैं बोलूं कि ये एग्जैक्ट है टी ऑफ जे म्यू, म्यू इक्वल टू वन पे जो डीबी प्लॉट किए थे भैया, ये एग्जैक्ट है, क्या है एग्जैक्ट, माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा, यस माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा, यस। अप्रोक्सीमेट क्या होगा, टी ऑफ जे म्यू की वैल्यू वन पे डीबी में अप्रोक्सीमेट, मतलब एसिम्प्टोटिक प्लॉट से कितना होगा सर, अप टू वन तो जीरो है ना, सही बोल रहा हूं जीरो डीबी है, तो एरर कितना हुआ, एरर कितना हुआ म्यू इक्वल टू वन पे डीबी में, एरर कितना हुआ एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, तो माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा होता है भाई, ये माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा होता है, नोट डाउन ये। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एरर कितना होता है एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जीटा बेस्ड सिस्टम, तो ये रिजल्ट है माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा, ये नोट डाउन करेंगे, कहां से आया तो बता दिया, पांच मिनट लगा बता दिया। अगर कोई पूछेगा ऐसा और आपको एक सिस्टम दे देगा 100 एम जीटा पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी आ सकता है जीटा की वैल्यू, तो कोई आंसर इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता, तो नहीं बता पाएगा सीधी सी बात, बट किसी को पता है कि एरर एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू वन, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जीटा बेस्ड सिस्टम 100 एम सिस्टम जीटा की कोई वैल्यू हो सकती है 100 एम सिस्टम में, ये आंसर है एरर का डीबी में माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा, ये आंसर ठीक है सर। क्या करते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं जीटा और क्या एरर का म्यू इक्वल टू वन पे, मतलब एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डीबी में, जिसका आंसर माइनस ट्वेंटी लॉग टू जीटा होते हैं। क्या करूंगा बताओ आपको, देखना जीटा के वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, पॉइंट वन पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन और पॉइंट नाइन भी ले सकता था, स्पेस नहीं था, कोई बोल सकता है कि सर 0.707 से ज्यादा होता ही नहीं है। अरे मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीबी बना रहा हूं, 100 एम सिस्टम तो 0 से 1,
मेरे को क्या करना कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिजोनेंट पीक रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी 0.707 होता है, ये तो बॉडी प्लॉट है। 0.1 0.3 0.5 0.7 ये वैल्यू पुट कर सकते, वैल्यू बताना 0.1 पे कितना आएगा, 0.3 पे, 0.5 पे तो जीरो आ जाएगा यार, 0.5 पे तो 0 dB आ जाएगा, 0.1 पे कितना आ रहा है बताते जाओ आपके पास, ये बताते जाओ, कैलकुलेटर निकालो, -20 log 2 zeta में पुट करते जाओ, -20 log 2 zeta में पुट करते जाओ, बोले कि 0.1 पे इतना आएगा, 0.2 पे इतना, 0.3 पे इतना आएगा, 0.5 पे तो 0 dB हो गया, क्योंकि log 2 zeta की वैल्यू 2 zeta की वैल्यू 1 तो log 1 0 हो गया। पहला वाला वैल्यू कितना आ रहा है सर, 13.979 आ रहा है, 13.979 आ रहा है पहला नंबर, 13.979 dB आ रहा है, ओके ओके, 13.979 dB आ रहा पहला नंबर 0.1 पे, 13.97 dB, ठीक है इतना आ गया, आ गया भी। अब 2 जीटा नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम है यार। सेकंड वाला कितना आ रहा है सर, 4.436 करूं मैं, 4.436, हाँ चेक कर लो, 4.436 पहला तो सही है, सेकंड वाला भी देखना पड़ेगा, 4.436 आ रहा है कि नहीं, सेकंड वाला 0.3 पे ना, यस सर, 0.7 पे कितना आ रहा है, -2.92, ऐसा वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो 0.5 के नेगेटिव आ जाएगा, 0.5 से ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, 0.5 से ऊपर पॉजिटिव, 0.5 से नीचे नेगेटिव, 0.5 पे 0 dB, ओके, ये आपके पास रिजल्ट, एरर की वैल्यू। आराम से बस कैमरा पूरा घूम जाएगा, कैमरा वहीं पे, अभी आराम से एक बार बोलोगे क्लियर है नोटेड, उसके बाद फिर मैं उसको हटा दूंगा। 0.9 पे कितना निकाला, -5.10, इट्स ओके, हाँ इतना क्लियर, पूरा हटा देता हूँ फिर मैं।
क्लियर नोटेड, चलो पूरा हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है इसको रहने दो, बाकी पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। ठीक है इतना क्लियर आपको? यस। देखो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट प्लॉट, ये -40 डिग्री पर डिकेड का, ये आला आपके पास, ये पूरा अप्रोक्सीमेट प्लॉट, ये ये आपके पास बना हुआ है, इसमें क्या पता है आपके पास ये सब एग्जैक्ट वैल्यूज बनी हुई है आपके पास। अगर मैं बोलूँ ना कि ये सब एग्जैक्ट वैल्यूज है आपके पास, दिस वन एग्जैक्ट वैल्यू, ये आपके पास जो है सपोज करो जीटा इक्वल टू 0.1 होगा आपके पास, जीटा इक्वल टू 0.1, जितना जीटा की वैल्यू कम है ना आपके पास, जीटा इक्वल टू 0.3, ये जीटा इक्वल टू सपोज करो 0.4, 0.5 में तो कोई एरर ही नहीं है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसी जगह से क्रॉस होगा, दिखेगा भी नहीं आप। और उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जीटा की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है सपोज करो 0.7, तो अब ना क्या होगा, ये एग्जैक्ट से नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट होता है, ब्लू वाला जो है वो अप्रोक्सीमेट, ब्लू वाला जो है वो अप्रोक्सीमेट है, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है आपके पास वो अप्रोक्सीमेट है। अब हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट है, तो 0.5 से ऊपर में एग्जैक्ट ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट नीचे होगा, तो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव डीबी होगा। देखो पॉजिटिव डीबी आ रहा था, 0.5 से ज्यादा वाले में ग्रीन वाला नीचे आपके पास जो कि अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट बड़ा है अप्रोक्सीमेट छोटा है, इसका मतलब है कि अब नेगेटिव आएगा 0.5 से ज्यादा में। यस ठीक है, ये जैसा आपके पास एक फिगर बना रहता है आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की हम बात नहीं करते, तो हमने एक फिगर बना दिया आपके पास कि जो भी वैल्यू आपके 0.5 से कम होगी उसमें एग्जैक्ट ऊपर रहेगा, 0.5 से ज्यादा वाले में एग्जैक्ट नीचे रहेगा, और 0.5 में वो वहीं से क्रॉस होगा जहां पे। और हमेशा हम ना जो डिफरेंसेस है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अलग जगह पे बात करेंगे आपके पास, तो फिर एग्जैक्ट वाली वैल्यू में पुट करना रहेगा, फिर और भी कैलकुलेशन ज्यादा होगा। इतना ही कोई नहीं पूछा, इतना ही एक आधी बार कभी बात की गई, वो भी गेट में बात नहीं की गई कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे एरर कितना होगा, -20 log 2 जीटा, जीटा की वैल्यू आपको अगर पता तो आप बता सकते हो, बस मैं फिगर इसलिए बताएगी जस्ट आपको आइडिया। सर इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन अगर ये है जो हम जानते हैं, ट्रांसफर फंक्शन के लिखाओ ना लिखाओ, क्या के लिखाओ ना लिखाओ, इट्स ओके, उससे एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns + ओमेगा n का स्क्वायर, तो अगर मैं बोलूं कि एरर कितना होगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा n, यही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है। यस कितना होगा सर, -20 log 2 जीटा, ये तो डिराइव करवाया हमें। यस सर -20 log 2 जीटा एरर होगा। सर अगर ट्रांसफर फंक्शन ये है तो क्या सर, एस स्क्वायर प्लस 0 है, मतलब ऐसा तो ट्रांसफर फंक्शन आप बहुत कम देखते हो, 0 से बस,
जीरो से पोल सही नहीं तो एरर कितना होगा? एरर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन इक्वल टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा सर? 20 log 2 जीटा, ये 20 log 2 जीटा, ये -20 log 2 जीटा, ये माइनस क्यों हट गया? ये जीरोस के कारण, एक्स्ट्रा बातें कर दी, नॉर्मली इसी में बात करेंगे, लेकिन मैं बोलते कि चलो ये जो पोल थे वो जीरोस बना दिए तो साइन चेंज कर दिया बस ये। तो ये तो हम जान, ये तो मैं बताया आपको, और ये एक्स्ट्रा बातें करने के लिए मैं बोला क्या चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो, पोल्स को जीरोस में कन्वर्ट कर दो ये। तो मैक्सिमम जितनी बातें हो सकती थी मैक्सिमम सब बातें कर ली अपन, और इससे ज्यादा बातें इसके अंदर में पॉसिबल नहीं थी, जितना हो सकता था हम कर डाले, ठीक है। तो एक बार बता देंगे क्लियर नोटेड, तो एक्स्ट्रा बातें थी आपके पास, तो ये आपको बस पता रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिसाइड करते करते हम यहां तक पहुंच गए। तो क्लियर नोटेड बोलेंगे आप, वो याद रखिएगा -20 log 2 जीटा आपके पास, जीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कोई एरर पूछ रहे तो हम पुट कर देंगे, बता देंगे कहां से आया वो आपको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कैसे आया तो वो आपकी कॉपी में है, वो आपकी कॉपी में है। ठीक है, तो जस्ट आपको क्लियर है कैसे पॉइंट्स को हम कैसे कवर करेंगे, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ओके। चलो हटा देते, पूरा हटा दो ऊपर से, पूरा पूरा हटा दो ऊपर से, हाँ सब कुछ सब कुछ। एक लिख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स फॉर जीटा बेस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स फॉर जीटा बेस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, डाले अपन हेडिंग। हाँ पेशेंस लेवल नहीं है भाई कुछ लोगों में, सर स्टेट स्पेस होगा कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं पेशेंस लेवल में, तो पेशेंस लेवल ही तो इंपॉर्टेंट जिंदगी में, कितने बार बोला, इतने बार आपको समझाया हूं कि जिंदगी में जितने लोग भी सक्सेसफुल है वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट होने से सक्सेसफुल का कोई लेना देना नहीं है, सच। हाँ पेशेंस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेलिजेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंस लेवल है। ये बना दिया आपके स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, यस सर, ये स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना दिया।
ठीक है, पता आपके पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम होता था, जी ऑफ एस क्या था आपके पास, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस टू जी टा ओमेगा एन, इसके बारे में क्या पता आपको, सर टाइप वन सिस्टम है, ओके ऑर्डर ऑर्डर टू है सर, टाइप वन ऑर्डर टू सिस्टम, क्लोज लूप ये तो ओएलटीएफ है, यस ये तो पता है सर, सीएलटीएफ क्या होता है, टी ऑफ एस सर जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस, जैसे हम पुट करते तो हमको कैलकुलेशन सभी को पता होता है क्या, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भैया हम रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स की बात करते तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओएलटीएफ की बात करते, पोलर प्लॉट तो हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं सर, जो हमारा ओएलटीएफ है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है पोलर प्लॉट में क्या होता है कि डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर ऑफ द सीएलटीएफ बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओएलटीएफ, इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सर जी ऑफ एस क्या है, सर जी ऑफ एस जो है वो ये है, क्या ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, चलो इसकी जगह जी ओमेगा पुट कर लेता हूं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात कर रहा हूं मैं, ओएलटीएफ के जी ओमेगा पुट कर लिए सर, जी ओमेगा प्लस टू जीटा ओमेगा, टू जीटा ओमेगा, ओके ओके ये सर जी ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड वैल्यू, मॉड वैल्यू क्या है यार, ओमेगा एन स्क्वायर तो ओमेगा एन स्क्वायर रहेगा, ये टाइप वन है ओमेगा रहेगा, और अंडर रूट फोर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर, ये रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। सर एंगल कितना रहेगा, एंगल भी लिख लेते जी ऑफ जी ओमेगा, जीटा बेस सिस्टम के बारे में बात चल रही है सर, माइनस 90 बिकॉज टाइप वन सिस्टम, माइनस टेन इनवर्स टू जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा, चेक करना एक बार, नहीं सर ओमेगा अपॉन टू जीटा ओमेगा, यस ओमेगा अपॉन टू जीटा ओमेगा, ओमेगा अपॉन टू जीटा ओमेगा। मैं बोला कि यार हम जीटा बेस सिस्टम एक ब्लॉक डायग्राम ही बना दिए, बोले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था पोलर प्लॉट में, फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर ऑफ सीएलटीएफ बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओएलटीएफ, ये था ओएलटीएफ, इसकी जगह जी ओमेगा पुट किया, मॉड किया और एंगल कर दिया, क्या करते थे पोलर प्लॉट में सर, ओमेगा की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट, हाँ मैग्नीट्यूड यस, एंगल हाँ, ये तो हमारा टेबल होता था सर पोलर प्लॉट में, हाँ यही होता था टेबल। चलो जीरो बता मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, टाइप वन सिस्टम में जीरो में इनफाइनाइट आएगा, ऑर्डर टू सिस्टम में इनफाइनाइट में जीरो आएगा, यस जीरो में एंगल कितना आ रहा है सर, माइनस 90, टाइप वन है ना सर, ऑर्डर टू है तो ओमेगा इनफाइनाइट में 10 वर्स इनफाइनाइट 90 माइनस वाले से लगा है सर, माइनस 180 आएगा, बिल्कुल सही है, ये बन गया टेबल, यस सर टेबल बन गया ना, हाँ इस टेबल में आ रहा, अगर आपको ओमेगा पीसी चाहिए तो सर आप तो बता चुके किसी भी ऑर्डर टू सिस्टम ओमेगा पीसी इनफाइनाइट होता है, क्योंकि देखो सर ये इनफाइनाइट में एंगल माइनस 180 है, तो आप तो वैसे भी बोलते थे कि ओमेगा पीसी किसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिखना है तो बिंदासी से लिखो, क्या सेकंड ऑर्डर सिस्टम को ओमेगा पीसी लिखना है, इनफाइनाइट तो रह गई, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, दिख भी रहा है आपको यहां से, तो ओमेगा पीसी इनफाइनाइट है भाई, और अगर ओमेगा जी ऑफ जी ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड कितना है इनफाइनाइट पे सर, जीरो सर, तो गेन मार्जिन कितना होता है सर, गेन मार्जिन इसका रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, अब जीरो मत बोल देना भाई, डीबी नहीं है ये नंबर है, तो ओमेगा पीसी भी इनफाइनाइट गेन मार्जिन इनफाइनाइट, किसी भी स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ओमेगा पीसी भी इनफाइनाइट गेन मार्जिन इनफाइनाइट होती है, टाइप वन ऑर्डर टू सिस्टम है सर, अगर मैं बोलूं कि सर अगर मैं आपको बोलूं कि चलो पोलर प्लॉट अगर बनाना है, अरे ये सब तुमको आता है, अगर मैं किसी को बोलूं कि टाइप वन ऑर्डर टू सिस्टम है उसका पोलर प्लॉट बनाना है तो बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, टाइप वन है तो माइनस 90 से स्टार्ट होगा, ये माइनस 90 से स्टार्ट होगा, टाइप वन है ना यार, और ऑर्डर टू है तो माइनस 180 पे एंड हो जाएगा ये, और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे जीरो मैग्नीट्यूड, दिस वन ये फिगर बन गया, ये पोलर प्लॉट बन गया, किसके लिए, अरे वही जो हमारा बोर्ड में लिखा है ओमेगा इक्वल टू जीरो माइनस 90 से माइनस 180 हो गया, ये यूनिटी रेडियस सर्कल को जिस जगह पे कट करता है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको ओमेगा जीसी बोलते हैं, ओके और ओमेगा पीसी तो इनफाइनाइट है सर, बस ऐसे फिगर बनेगा, टाइप वन ऑर्डर टू का यही फिगर बनता है, कॉपी में बना हुआ सब कुछ, ओमेगा जीसी फाइनाइट होगा, फेस मार्जिन फाइनाइट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सर जब भी कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जीटा बेस सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करता है तो आज तक कोई कभी देखा कि ओमेगा पीसी और गेन मार्जिन पूछते, बुक में भी नहीं लिखा रहता, वो इसलिए लिखा रहता क्योंकि ओमेगा पीसी इनफाइनाइट को रोक नहीं सकता सर, और कोई ओमेगा पीसी है और क्या, टाइप वन ऑर्डर टू और कहां से ओमेगा पीसी आएगा, कोई जीरो थोड़ी है जो कटवट कर देगा, तो ओमेगा पीसी इनफाइनाइट यस, गेन मार्जिन इनफाइनाइट यस, तो दो चीज तो हो गई, तो बचा क्या सर, बचा ओमेगा जी से और फेस मार्जिन, इसलिए जो टेक्स्ट बुक होती है आपके पास इस जगह के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा ऐसा ये टॉपिक इन जनरल देखने को इन जनरल आपको मिलता नहीं बुक्स में भी या पढ़ाता भी है, टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ ओमेगा जीसी के बारे में बात की जाती है और फेस मार्जिन के बारे में, तो कई लोगों को लगता है यार ओमेगा पीसी या गेन मार्जिन के बारे में क्यों बात नहीं की जाती, कई लोग सोचते, मैं भी सोचता था बहुत पहले की बात,
मैं ये सोचता था कि यार टेक्स्ट बुक वाले इस जगह पे ओमेगा जीसी और पीएम की बात कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं करते थे बिकॉज एक ऑर्डर टू सिस्टम है भैया, ओमेगा पीसी फिक्स है ना, कितना इन्फाइनाइट गेन मार्जिन भी इन्फाइनाइट सर। अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप भूल चुके होंगे, आपकी कॉपी में लिखा है सब कुछ, आपको लग रहा होगा गेन मार्जिन जीरो लिख देगा, नहीं वो भूल चुके होंगे। गेन मार्जिन ओमेगा पीसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम में बहुत आर इन्फाइनाइट। ओमेगा जीसी की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा जीसी ओमेगा की वो वैल्यू होती है जिसमें मैग्नीट्यूड वन होता। तो पता है मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा जीसी, तो ओमेगा जीसी ओमेगा की वो वैल्यू जिसमें मैग्नीट्यूड वन होता है। ये तो सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। ओमेगा एन स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ये ओमेगा की जगह कितना हो गया ओमेगा जीसी, यस सर, फिर 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सर, तो ओमेगा जीसी का स्क्वायर। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, सोचो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। ओमेगा एन भी आएगा, जीटा भी आएगा, और देखो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ये देखो ये। तब ओमेगा जीसी का रिजल्ट लिखना है, तो ओमेगा जीसी का रिजल्ट अगर आपको लिखना है, ये फेस मार्जिन का रिजल्ट लिखना है आपके पास, ये इसके दो स्टैंडर्ड बड़े रिजल्ट होते हैं जो ऐसे ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना आपके पास। क्यों ओमेगा पीसी और गेन मार्जिन है इनफाइनाइट है यार, खत्म करो। ये तो फाइनाइट होगा, ये देखो ओमेगा जीसी फाइनाइट आएगा, ये आपके पास पता है फेस मार्जिन होता है, ये तो आपको पता ही यार कि फेस मार्जिन होते हैं पीएम। रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई भाई, उतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मैथमेटिकली, तो बता रहा हूं इतना पहले आप नोट करेंगे। ठीक है, जस्ट आपको क्लियर है यार, तो एक बार चीजों को चेक कर लेंगे आप, उसके बाद मैं बात करता हूं। ठीक है, इतना पहले बता देंगे आपकी, ऐसा नोट कर लिया करके सर। हाँ बताएंगे आप, नोट कर लिया आप लोग। अभी आपके पास पता है ये ओमेगा जीसी का जो रिजल्ट होता है आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी -2 जीटा स्क्वायर अंडर रूट 4 जीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 1, ये आपके पास फेस मार्जिन का आंसर होता है 10 इनवर्स 2 जीटा अपॉन अंडर रूट क्या -2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 1, ये इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि अब इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन देखेगा। लेकिन ओमेगा जीसी जब इससे निकालोगे तो ये आएगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फेस मार्जिन पहले मैं इसको निकालता भी था, फिर मेरे को लगा कितना ही करवाऊंगा, मतलब खत्म तो ना होने वाली चीज है, तो मेरे को लगा कि वैसे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट पे बेस होने का जिसी और पीएम का रिजल्ट है, तो लोग नॉर्मली नहीं पूछते। इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में थ्योरेटिकल बातें की जाती है, एक आधी एग्जाम में और थ्योरेटिकल बातें की गई है, तो वो बात कर देता हूं। तो ओमेगा जीसी का रिजल्ट है जीटा बेस और ओमेगा एन, और फेस मार्जिन का रिजल्ट है 10 वर्स 2 जीटा, और ये ओके, ये दो रिजल्ट्स आपके पास कॉम्प्लिकेटेड टू रिजल्ट्स। अब क्या करने वाले हो आप ना, कैलकुलेटर निकालने वाले हो, जो मैं बोलूंगा वो करने वाले हो क्या, जीटा की वैल्यू मैं बोलूंगा आपको और एक टेबल बनाओगे, आप टेबल बनाओगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या है, ओमेगा पीसी और गेन मार्जिन तो आपको पता ही था, तो लिख दिए यहां पर। मैं इसलिए बताया कि कभी हो सकता है आपको लगे ना कि सर ये क्या चीज है करके, इसलिए मेरे को लगा कि चलो बता देता हूं। जीटा लिखो टेबल में, यस सर, ओमेगा जीसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आएगा, फेस मार्जिन की वैल्यू आएगी, जीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो। अच्छा हाँ, जीटा की वैल्यू 0.1 पुट कर दो, फिर जीटा की वैल्यू 0.5 पुट कर दो। अच्छा जीटा मैक्सिमम कितना होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम सब 0.707। तो थोड़ा सा आपसे मेहनत करवा लेता हूं मैं, इतना आप मेहनत कर लो। अच्छा हाँ, इतना मेहनत कर लो भाई, ठीक है। जीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये ओमेगा नहीं आ जाएगा, ओमेगा जिसी ओमेगा आ गया, देखो जीटा की वैल्यू 0 में, अरे ओमेगा आ गया।
आ गया, फेस मार्जिन की वैल्यू कितना है 0 डिग्री, ये लो चलो करो 0.1, 0.5, 0.707, कैलकुलेटर निकाल लो आप, कैलकुलेटर निकाल लोगे आप 0.1, 0.5, 0.707 पे। फिर मैं कुछ कंक्लूजन बता देता हूं जो आपके काम का है, ठीक है? तो पहले आप वो कर लो, उसके बाद फिर मैं आप जो बताओगे उसको मैं नोट कर लूंगा जितना आप बताते जाओगे। तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तभी आएगा आंसर, तो नहीं आएगा। किसी का आ रहा है? मेरे पास ना दो रिजल्ट लिखे हुए, 0.5 पे लिखा हुआ, मेरे पास 0.1 वाला नहीं है। 0.1 वाला आप बताओगे, मेरे पास जो लिखा हुआ है 0.786 ओमेगा लिखा हुआ है, इसका एंगल आ गया 51.82, ये एंगल लिखा हुआ है। 0.707 0.64 ओमेगा लिखा हुआ है, इसका एंगल लिखा हुआ है 65.52, ये लिखा हुआ, ये 0.1 वाला नहीं है। 0.5 वाला मेरे पास था, 0.707 वाला था। 0.1 में कितना आ रहा है? 0.99 आ रहा है। कोई लोग लिखे सर 0.99 ओमेगा आ रहा है, ठीक, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब ना नहीं लिखता तो भी चल जाता। 0.1 0.99 ओमेगा आ रहा है। और फेस मार्जिन कितना आ रहा है? फेस मार्जिन की वैल्यू बड़ा कम डिग्री में आ रहा होगा, ये दो रिजल्ट में लिखवा दिया 38.939 आ रहा है सर, 0.99 ओमेगा निकाली। एंगल बताओ, एंगल सबका अलग अलग आना चालू हो गया, 10 वर्स 2 जीटा अपॉन है। एंगल बताओ यार, ये लिख लिए 0.99 लिख लिए भैया, एंगल बताओ। एंगल 11.42 कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि 11.42 है, क्योंकि दो तीन लोग 11.42 बोले, हाँ चार लोग बोले 11.42, लिख लो। यस सर, 11.42 लिख लिया। क्या इंटरेस्टिंग बात है वो बता देता हूं, इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? जीटा की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या क्या होता है? जीटा की वैल्यू, पहला चीज कि जब मैं बैंडविड्थ पढ़ा रहा था आपको, तब बोला था कि बैंडविड्थ जो होता है वो इंक्रीज होता है आपके पास, ये बैंडविड्थ आपके पास, ये सॉरी बैंडविड्थ डिक्रीज होता है। सेकेंड, ओमेगा जीसी की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो वो डिक्रीज है, देखो ओमेगा एन ये। थर्ड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास जो था वो डिक्रीज होता है, वो भी आपकी कॉपी में लिखा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, ओमेगा जिसे अभी दिख रहा है, 3 dB बैंडविड्थ का भी रिजल्ट निकलवाया था। फोर्थ, ओमेगा डी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होता है, यस। और मैक्सिमम पीक और सुर तो डिक्रीज होता है तो दुनिया जानती है, यस। और एमआर डिक्रीज होता है ये भी दुनिया जानती है। तो रिजोनेंट पीक डिक्रीज होता है, मैक्सिमम पीक और सो डिक्रीज होता है, डैम फ्रीक्वेंसी आपकी कॉपी में है, ओमेगा डिक्रीज होता है, ओमेगा जिसे अभी दिख रहा है आपको, बैंडविड्थ भी आपको डिक्रीज दिख रहा है। सेवन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फेस मार्जिन इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि फेस मार्जिन प्रोपोर्शनल टू जीटा है, ये आपके काम की चीज, बाकी सब डिक्रीज, द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। 3D बैंडविड्थ आपके पास है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, ओमेगा जिसे अभी देख रहे हैं, ओमेगा पढ़ चुके हैं। ओमेगा आर का जो मैं टेबल बनाया था तो ओमेगा आर और ओमेगा डी का टेबल एक साथ बनाया था, आप देख सकते हो, पलटा सकते हो। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो मैं पढ़ा था, जिसको एक ही क्लास पढ़ाया था, बोला बहुत छोटा है, उसमें देखो ओमेगा आर ओमेगा डी का टेबल बनाया, एमपी और एमआर का भी टेबल बनाया, देख लो आप, ओमेगा जी का भी बनाया और बैंडविड्थ वाला भी रिजल्ट वहां पे था। फेस मार्जिन इंक्रीजेस विद द डैम्पिंग रेशियो, हमारे काम की चीज। तो इंजन सर्विसेज में मैं दो बार देखा कि फेस मार्जिन इंक्रीजेस विद द डैम्पिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट चीज दिखा मेरे को थ्योरेटिकल, किसी को कैसे पता चलेगा कि फेस मार्जिन इंक्रीजेस विद द डैम्पिंग रेशियो डिक्रीजेस विद द, कैसे, हाउ? तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी चीजें होती है जो कैसे पता चल जाएगी अपने आप, जस्ट लिख लिया अपन, इसलिए बता दिए, इतना दिख रहा आपके पास, तो ये अलग चीज हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मेरे को फेस मार्जिन दिया है तो जीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 0.5 साइन फेस मार्जिन डिग्री में और 10 फेस मार्जिन डिग्री में, ये अप्रोक्सीमेट निकाला गया आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक में, बोला आप सॉल्व मत करो, इतना आपके पास जीटा की वैल्यू आती है। वो इसलिए बताया गया कि सपोज करो कोई फेस मार्जिन दे दिया, वहां से निकालने जाओगे तो बहुत टफ होगा, सपोज करो कोई फेस मार्जिन 45 डिग्री दे दिया और बोला कि यार आप चलो क्या करो, जीटा की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करो, ये देखो आपके पास जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कितना आ गया जीटा की वैल्यू 0.5 और साइन 45 डिग्री
और 1045 डिग्री, ये चेक करो, आप चेक करो कितना आ रहा आपके पास फेस मार्जिन। आपके पास अगर दे दिया गया, सपोज करो जीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया, तो आपके पास जीटा की 45 डिग्री दिया है, तो जीटा कितना आएगा चेक करो। आप एग्जांपल ले लिए, ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है इस टाइप की। ये भी मेरे को सिर्फ एक आधी बुक में मिला, ऐसे इन जनरल बुक में नहीं रहता। कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी बुक पढ़ा हूँ लाइफ में। तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि कभी कभी जो हम एक्स्ट्रा बातें करते हैं, कभी कभी वो कभी कभी कनेक्ट भी हो जाता है, और वो फिर आपको लगेगा बड़ा स्पेशल चीज। क्या हमको पता कब क्या क्या पूछने वाले। जैसे अभी आप देख रहे थे कि बार्क में आया 0.42 को लिखा, सूरज तीन बार लिखोगे तो कैसे होगा भैया। हाँ 0.42, देखो जीटा की वैल्यू 0.42 है, 0.42 है ये जीटा की वैल्यू। अगर मैं जीटा दे दूं और फेस मार्जिन पूछूं तो बड़ा आसान है। जीटा 0.42 पुट करोगे ना, फेस मार्जिन उतना ही आएगा, 45 डिग्री के आसपास आएगा। 0.42 पुट करोगे तो उतना ही आएगा, 0.42 में फेस मार्जिन इतना ही आएगा 45 डिग्री। तो आपके पास इसकी पॉसिबिलिटी है इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन के लिए। तो रिजल्ट किसी को नहीं पता होगा, इन जनरल नहीं पता रहता ना, कैसे पता होगा। अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ आपके पास, ऐसे नहीं बोल रहा हूं ना मैं, स्टैंडर्ड जो दो एक बुक में लिखा है ये कि फेस मार्जिन कोई दे रहा है और जीटा पूछ रहा है तो कर देना भैया करके, ऐसा जस्ट नोट डाउन। बाकी आपके थ्योरेटिकल ये चीजें पता होना चाहिए कि जीटा के इंक्रीज होने से क्या डिक्रीज होता है और क्या बढ़ता है। सब डिक्रीज होते हैं, फेस मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, ये आपकी काम की चीज हो गई, ये आपकी काम की। तो कई बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ गेट पढ़ाना नहीं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप कंट्रोल सिस्टम का पेपर, इंडिया का कोई भी पेपर दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो, तो आपके पास कंटेंट इतना है कि कल कोई बोल दे तो आप कोई बोलेगा ये इसलिए नहीं पढ़ाते सर, ये थोड़ी गेट में पूछ लेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर कोई दे रहा, फीस मार्जिन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो सब पता रहना चाहिए। कितना देर लगा, थोड़ा सा ज्यादा लग गया, ऐसा तो है नहीं कि हमारी जिंदगी में एकदम ही टाइम कम है। ये आपके पास एक्स्ट्रा बात कहें, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्कशन। ये तो क्यों लोग ओमेगा पीसी और गेन मार्जिन की बात नहीं करते हैं जीटा बेस्ड सिस्टम में। इनफाइनाइट है भैया, ओमेगा जीसी तो फाइनाइट आएगा। ये सर सिस्टम क्या होगा सर, सीएलटी। अरे गेन मार्जिन की वैल्यू इनफाइनाइट का इनफाइनाइट डीवी, यस। फेस मार्जिन की वैल्यू जो आपके पास, अगर मैं बोलूं कि जीटा बेस्ड सिस्टम है और फेस मार्जिन की वैल्यू जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो फेस मार्जिन पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब है कि सीएलटी अब तो स्टेबल है। हां जीटा बेस्ड सिस्टम तो स्टेबल ही होता है यार। अरे जीटा है सेकंड ऑर्डर सिस्टम, स्टेबल ही होता है, चाहे ओवरडैम्प्ड हो चाहे अंडरडैम्प्ड हो चाहे अरे कुछ भी हो ना, वो तो स्टेबल ही होता है। जीटा बेस्ड सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो स्टेबल ही होता है। तो गेन मार्जिन इनफाइनाइट डीवी, फेस मार्जिन पॉजिटिव डिग्री, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आएगी आपके पास जो भी वैल्यू पुट करोगे आप, इट ऑलवेज स्टेबल सीएलटी। तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। डिस्कशन का तरीका थोड़ा सा अलग था, ओमेगा जीसी का एक रिजल्ट था कॉम्प्लिकेटेड, कौन निकालेगा इसको, पहले तो मैं निकलवा भी था। फेस मार्जिन का एक रिजल्ट लिखा हुआ था, फिर एक एक्स्ट्रा बात किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जीटा पे बेस्ड पूरे पैरामीटर लिखे हुए, जीटा पे बेस्ड पूरे पैरामीटर लिखे हुए। यहाँ पे हमको पता है कि ओमेगा जीसी पहले अकर्स हो रहा है, व्हेनेवर गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी अकर्स अर्लियर देन फेस क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी सिस्टम विल बी स्टेबल। ये हमको पता है भाई, क्या व्हेनेवर गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी अकर्स अर्लियर देन फेस क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फेस क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी से अकर्स अर्लियर क्यों होगा, अरे ओमेगा पीसी तो इनफाइनाइट है भैया, तो ओमेगा जीसी तो पहले अकर्स हुआ ना, तो सिस्टम विल बी स्टेबल यार। ठीक है चलो, ये एक्स्ट्रा बातें किया हम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। हाँ सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर, यस। तो ये मेरा ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्लीट हुआ। ओवरऑल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात भी कर लिया जितना हो सकता था, मेरे को लगा था कि कमी बात करूंगा, लेकिन मैं आज बात करते करते मेरे को लगा कि कर डालते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जितनी जितनी बातें हो सकती है सब कुछ कर दिया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीजें, पोला प्लॉट, नाइकिस प्लॉट, बोडे प्लॉट और वराइटी ऑफ डिस्कशन, वराइटी ऑफ डिस्कशन। नहीं ठीक है।
वैरायटी ऑफ डिस्कशन से अपन कंप्लीट कर लिए भाई। अरे कर लिया अपन, कंप्लीट कर लिए नहीं? हाँ चलो, तो कल मैं चालू करूंगा स्टेट स्पेस, ठीक है? स्टेट स्पेस कल चालू करूंगा, अभी बीच में थोड़ी देर बात करूंगा, इंट्रोडक्शन 10-15 मिनट, एक घंटा, इट्स नॉट गुड। कल बात करेंगे अपन, क्या स्टेट स्पेस की बात कल करेंगे, ठीक है? बस हो गया इतना आपके पास, अब नया स्टाइल की पूरी बात होगी, अभी वाली बात का डिस्कशन नहीं होगा, पूरा नया स्टाइल होगा। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप एसएमटूडी बोर्ड फेस फ्लोर जाइए यूट्यूब में और उसको देखिए, 51 मिनट का वीडियो है, और यही पे आ जाएगा तो अच्छी बात होगी, क्योंकि स्टेट स्पेस के पहले अगर आपकी कॉपी में आ गया तो इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि अगेन रिलेटिव विद द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पूरी एक जगह पे आ जाएगा। उसके बाद जब मैं कल स्टार्ट करूंगा तो कल तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सबकी कॉपी में एसएमटूडी बोर्ड फेस प्लॉट आ जाए, उसके बाद आप कल जब मैं चालू करूंगा स्टेट स्पेस तो हो जाएगा। तो आपको मैं टाइम भी दे दिया पढ़ने का, अभी तो पढ़ने का टाइम दे दिया, इसका मतलब है कि अभी अभी आप देख सकते हो, आधा वीडियो देख सकते हो, आधा वीडियो रात को या कल देख लेना, लेकिन कल मेरी क्लास के पहले आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, YouTube में देख लेंगे। तो फाइनली मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत सारा पढ़ा है, मैं आपको बोला भी था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत सारा पढ़ेंगे अपन, तो बहुत सारा पढ़ डाले हम। अब स्टेट स्पेस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तरीका चेंज करेंगे हमारे डिस्कशन का, ठीक है? ओके चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।